जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप तक पर जहां हम सभी टीचर मिलकर आपको टॉप तक तो पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे और आज मेरे भाई चुटकियों में होंगे हल सवाल क्योंकि पढ़ाने आ चुका है तुम्हें राहुल देसवाल और मैंसुरेशन का हर एक क्वेश्चन इस तरह से पढ़ा दिया जाएगा तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी अपने सोना बाबू सबको भूलकर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत होगी तो सिर्फ मैंसुरेशन क्षेत्र मिति से जो आपको एग्जाम है सिलेक्शन सलेक्शन लाइक तो एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर, कर आ दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ विकल्प बहुत मिलेंगे मेरे बब्बर से रोर शेरणियों विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए परंतु टॉप तक या फिर राहुल देशवाल अकेला काफी है आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए आपको सिलेक्शन दिलवाने के लिए तो एक बार जोरदार तरीके से, से शेयर कर कर आ जाओ और जिस जिस आपके भाई बहन यार दोस्त और चाहने वाले को जरा सी भी प्रॉब्लम होती हो मैंसुरेशन में एक बार उसके साथ वीडियो शेयर कर दीजिए आपसे वो मोहब्बत करने लग जाएगा आपसे वो कहेगा कि यार हमेशा मुझे डर लगता था मैंसुरेशन से इस तरह से भी क्या मैंसुरेशन पढ़ी जा सकती है पढ़ाई जा सकती है इतनी आसान हो सकती है क्या क्षेत्रमिति जो आज तक हमारे टीचरों ने भोकाल बना रखा था उसका भोकाल से मुझे कुछ और भी याद आ गया तो जिस चीज को भोकाल बना रखा था वो इतनी नन्नी मुन्नी सी चीज थी इतनी प्यारी सी तो मेरे भाई इस से आज रात तुम्हें मोहब्बत होने वाली है जितने भी इधर उधर मैसेज करने हैं तुम्हारे को वो सब आज के लिए बंद कर दो क्योंकि आज का प्यार और सच्चा प्यार सिर्फ ये है और वो जॉब जिसे तुम्हें इस साल हासिल करना है सबसे बड़ी जीत होगी तो एक बार जल्दी से शेयर कर आ जाइए सभी यार दोस्त चाहने वालों के साथ आ जाओ मेरे भाई और एक चीज और मेरे भाई बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपके सामने दिखाता हूं आ जाइए बहुत बड़ी खुशखबरी देखिए ये पहले सबसे पहले ये और जान लीजिए वैसे डेली हमारी क्लासेस रोज जैसे कल देखोगे तो सात से आठ ललित सर की क्लास होगी आठ से नौ सुशील सर की और नौ से दस स्वयं तुम्हारा प्यारा सा टीचर राहुल देसवाल आपके सामने होगा पर एक बात और मेरे भाई देखिए सिर्फ 24 घंटों में ये हुआ था मेरे भाई एमेजोन पे नंबर वन अब हम पे भी हैं पे हमने जब तक डाली थी यानी कि इंडिया में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली बुक सबसे ज्यादा बच्चों द्वारा खरीदी जाने वाली बुक हमारी रेलवे गणित की बन चुकी है तो मेरे भाई इसके लिए सभी को लव यू बहुत सारा और ये समझ लो तुम मेरे आज से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पक्के वाले तुम मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहन क्योंकि देखिए इतनी मोहब्बत मुझे लगता है मतलब एज अ टीचर मतलब इतनी मोहब्बत भी बहुत सारी मोहब्बत है कम से कम मृत्यु भी आएगी तो ये तो लगा कि प्यार मतलब होता नहीं कि ज़्यादा प्यार ठीक है तो भैया जीवन में इतना प्यार भी बहुत है साथ ही साथ फ्लिपकार्ट भी हो गए हम अगर आप सर्च करोगे तो और इस बुक को आप बाद में भी तो कहीं मत जाना बाद में लेना चाहो तो वैसे ढाई की थी पर हमने एक सौ करी क्योंकि मुद्दा क्या है पैसा तो एक साल बाद कमा लेंगे अभी आप सबका प्यार कमाना है ठीक है तो चलते हैं आगे की तरफ क्वेश्चन की तरफ और हाँ मेरे भाई एक बात और कोई भी चीता मेरे भाई अगर आ चुका है तो एक छोटी सी बात सुन लीजिए आपको आपसे सिर्फ और सिर्फ मैं शुरू के 20 मिनट मांग रहा हूं एक भी इस 20 मिनट में कोई भी पापा मम्मी भाई बहन अड़ोसी पड़ोसी या चाहने वाले किसी का भी मैसेज या कोई आपको बुलाए सिर्फ इस 20 मिनट मुझे दे दो बेसिक चीजें आपको यहां समझा दूंगा उसके बाद जो भी पढ़ाऊंगा आपके दिमाग में फट से बैठ जाएगा एकदम ठक से जाके यहां पर स्टोर हो जाएगा परंतु मुद्दा क्या है मेरे भाई ये 20 मिनट शुरू के बहुत जरूरी हैं तो प्लीज क्या आप इस शुरू के 20 मिनट पढ़ने को तैयार हो तो यस करके कमेंट लिख दीजिए यस करके कमेंट लिख दीजिए और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से एक बार शेयर और कर दो क्योंकि एक से दो मिनट में बहुत कुछ आपके सामने आने वाला है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए लीजिए हमारा रिमोट वा कहा है भाई अच्छा चल रहा है ठीक है तो ये अमेजोन पर भी है मेरे भाई फ्लिपकार्ट पर भी है और ये सारी चीज़ आपको पता और हाँ एक छोटी सी चीज़ और कि ऑल ओवर इंडिया में सबसे कम प्राइस पर ऐसा नहीं है सिंगल सिंगल टीचर का कोर्स है ये सभी बड़े बड़े चेहरे जो यूट्यूब के सबसे बड़े बड़े चेहरे आपके सामने हैं इन सभी के कोर्सेज का ओवरऑल बेस सिर्फ फोर नाइन्टी में सी जी एल सी एच एस एल सी पी ओ एन टी पी सी सी टी टू ग्रुप डी और यू पी के भी एग्जाम सभी एग्जाम कर रहे हैं आप कहोगे सर ये कोर्स कहाँ मिलेंगे तो ये सारे कोर्स ना टीओपी टी, टी ए के टॉप तक ऐप है वहां मिल जाएंगे और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम का ग्रुप भी है और अगर आप मुझसे फेसबुक इंस्टा जहां भी जुड़ना चाहो तो आर एच आर्यचुअल राहुल डी ई एस एच डब्ल्यू एल राहुल देसवाल मैथ जैसे ही लिखोगे आप मुझसे कहीं पर भी जुड़ सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को तो कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातों के साथ हम क्लास स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक चीजें बेसिक ठीक है तो बेसिक करवाने जा रहा हूं मैंसुरेशन का सबसे पहले मैंसुरेशन की अगर आप जड़ देखिए अगर मैं सबसे पहले आपको टू खत्म कराऊंगा टू अब टू का हर क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड विद इन सेकेंड सोल्व कर सकते हो सिर्फ दो से तीन सेकेंड में आपको कोई फॉर्मूला आता हो या नहीं देखिए मैं बताता हूं आपको बच्चों के साथ दिक्कत कहां होती है जब वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मतलब जब भी उसके सामने ट्रिग्नोमेट्री आई जिसे हम त्रिकोण कहते हैं या फिर एल्जेबरा की बात करें ठीक है जिसे हम बीज कहते हैं बच्चों के साथ दिक्कत आई फॉर्मुले में उन्हें बहुत सारे फॉर्मुले याद करने पड़ते हैं इसी तरह से अगर मैं मैंसुरेशन की बात करूं तो बहुत ध्यान से समझेंगे जितना मैंने आज तक बच्चों को जाना है सबसे मेन दिक्कत मैंसुरेशन या जिसे हम क्षेत्र मिति कहते हैं सबसे मेन दिक्कत आपके सामने आती है बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं भाई इतने सारे फॉर्मले जैसी क्वेश्चन शुरू टीचर लिखवा दे हां बच्चों ये फॉर्मला है इसका पाई आर का स्क्वायर जैसे अगला क्वेश्चन बच्चों पाई बच्चा कह रहे यार इतने फॉर्मूले याद कर लो या क्वेश्चन ही सॉल्व कर लो नहीं तो यहां जाकर सारी की सारी मेरे भाई बुद्धि खराब अब हम इसको जड़ते ही खत्म कर दें किसी फॉर्मूले की आपको जरूरत ही नहीं पढ़ने वाली किसी भी फॉर्मूले कोई अब आप कहो सर ऐसा भी हो सकता है आज तक तो हमने ये सुना ही नहीं था और आपके जो बहुत से ऐसे भाई बहन होंगे जो कोरोना में थोड़े से पास हुए हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आती ना मैथ उनको भी यहां बुला लो ठीक है उनको भी आज मैथ से मोहब्बत हो जाएगी देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ एक पावर दे रहा हूं ट्रिपलेट जैसे त्रिदेव वाली शक्ति है ना त्रिदेव तीनों देव जिन्होंने इस जगत में सबसे पावरफुल तीन देव वही है ट्रिपलेट ये जो ट्रिपलेट है वो आपके लिए हर क्वेश्चन को बहुत सरल बना देता है आप कहोगे सर इसका यूज क्या है पर इसका यूज होने से पहले थैंक यू सर इसका यूज होने से पहले हम जानेंगे कि इस क्वेश्चन मतलब इसको यूज होने से पहले पहले ये जानेंगे ट्रिपलेट है क्या तो आप देखिए नॉर्मल सी बात समझिए कभी भी बहुत आराम आराम से चलूंगा पहले 20 मिनट ठीक है हाँ मेरे कोरोना वाले हाँ तो मतलब सच्ची में ये अभी तो ये है कि जो बारहवीं पास करिए अभी पुराने वाले आएंगे मैं मैं तो सोच रहा ना कैसे पढ़ाई करूंगा ठीक है तो कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर अब आप कहोगे सर ये तो तीन साइड हो गई है ना चार साइडों वाली फिगर में भी हम डायगनल काटते हैं तो उसमें तीन साइडों वाली फिगर निकल जाती है अभी मुद्दा क्या है कोई भी ऐसी फिगर जिसकी तीन साइडें हूं सिर्फ इस इतने पे फोकस कोई भी ऐसी मेरे भाई फिगर जिसकी तीन भुजाएं हो तीन साइडें हो और उसका एक एंगल 90 डिग्री का हो तो मेरे भाई इस तरह के ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल कहा जाता है समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल कहा जाता है समकोण त्रिभुज ठीक है मेरे भाई परंतु एक बार इसको उतार देते हैं अरे तो गर्मी बिठा दी तो एक सेकंड रुक जाओ यार एक सेकंड रुक जाएंगे बच्चों इसने गर्मी से लग गया यार तो थोड़ी सी क्योंकि यहाँ लाइटें ज्यादा जल रही है ठंड सी पड़ रही थी एक सेकंड एक सेकंड दीजिए बस मुझे लो भाई हाँ ठीक है थोड़ा रिलैक्स मिल रहा है भाई। हाँ भाई। आ जाओ भाई। भाई भाई जाओ देखो हाँ भाई आवाज आ रही है ना ठीक है तो इसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल अब आप एक नॉर्मल सी बात बताइए इसकी एक साइड को अगर मैं बेस कह दूं और इसको मैं कह दूं परपेंडिकुलर तो हमेशा याद रखना बेस यानी कि हिंदी में आधार पर अभी थोड़ी देर बाद इनका कोई यूज नहीं है सच्चाई ये है बस अभी बेसिक समझा रहा हूं तो आप चीजों को समझोगे आगे जाकर ये बेस परपेंडिकुलर सब गायब हो जाएगा ये ट्रायंगल ट्रायंगल सीधा क्वेश्चन देखा उत्तर आपकी आंखों के सामने होगा वो जादू सा ही होगा आपको सर ये तो जादू ही कर दिया आपने और इसे कहते हैं परपेंडिकुलर यानी कि हिंदी में लंब और इसे कहते हैं मेरे भाई हाइपोटेनियस यानी कि हिंदी में इसे कर्ण कहा जाता है अब देखिए अगर कोई भी कोई भी अगर एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल नब्बे डिग्री है और मुझे इन तीनों में से कोई दो साइड दे दी जाए जैसा मैंने एक क्वेश्चन मैंने एक फिगर बनाई मैंने कहा कि मेरे भाई अगर ये वाली साइड 11 है ये वाली साइड 61 है समझिए ध्यान से अगर ये 11 है ये 61 है तो क्या इस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल नब्बे डिग्री है तो क्या आप इस साइड को निकाल सकते हो बताइए तो आप में से बहुत से बच्चों ने जो कोरोना से पहले पढ़ रहे थे उन्हें थोड़ा बहुत आता होगा तो उन्हें पता होगा कि मेरे भाई एक फॉर्मूला होता है ठीक है और वो फॉर्मूला क्या होता है इन तीनों साइडों के बीच में एक फॉर्मूला लगता है एक रिलेशन है और वो रिलेशन क्या कहता है कि मेरे भाई इस वाली साइड का यानी पी का स्क्वायर बहुत ध्यान से सुनेंगे प्लस में इस साइड बी का स्क्वायर हमेशा बराबर होगा इन दोनों साइडों के स्क्वायर को टोटल करेंगे तो ये हमेशा बराबर होगा 90 डिग्री के सामने वाली साइड यानी कि जो ये एच है हाइपोटेनियस इसके स्क्वायर के बराबर अब आप क्या करोगे आपके सामने सबसे पहले क्या आएगा कि मेरे भाई इन वैल्यूज को उठाकर यहां रख दीजिए पर जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो इस प्रोसेस में आपको एक मिनट का टाइम लग जाएगा कम से कम एक मिनट का क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएंगी और आप परेशान हो जाओगे पर अब उन सभी परेशानियों को खत्म कर रहे हैं क्योंकि टॉप तक आपके सामने लाया राहुल देसवाल टीचर जो कि चुटकियों में होगा हल सवाल क्योंकि पढ़ा रहा है आपको राहुल देसवाल आ जाओ अब जो चीजें मैं बताने वाला हूं उन पर ध्यान से देखेंगे फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर ना विद इन सेकेंड दे दोगे देखिए <coughs> अगर मैं कहूं कि मेरे भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी जिसमें एक एंगल नब्बे डिग्री है ये तीन है ये चार है तो मेरे भाई ये वाली साइड बताइए तो जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या कहता है अगर मैं कह तू ये P है ये B होगा तो मुझे एक्चुअल में H निकालना है तो फॉर्मुला कहता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर होगा किसके एच के स्क्वायर के यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बराबर होगा नब्बे डिग्री के सामने वाली साइड के स्क्वायर के ठीक है पी कितना है तीन यानी अगर मैं यहां पे लिख सकता हूं तीन का स्क्वायर प्लस बी कितना है यानी कि चार तो मैं बी को चार लिखता हूं चार का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर हमें चाहिए एच ठीक है अभी भी यह बेसिक चल रहा है अगले दो मिनट बाद ट्रिक शुरू हो जाएंगे कि इतने खेल की कोई जरूरत नहीं है तीन का मेरे भाई नौ होता है चार का स्क्वायर सोलह बराबर का स्क्वायर। ऐसे ही निकालोगे बचपन में जैसे निकाला करते थे बड़े बूढ़े टीचर एच के इस्क्वेर। ये इस्क्वेर जो है इधर आकर रूट डाल देगा तो ये स्क्वायर इधर उठकर आएगा और पच्चीस पर क्या डाल देगा रूट बराबर एच एच आ गया मेरे भाई रूट पच्चीस के बराबर और रूट पच्चीस कितना होता है पांच तो यहां से हाइपोटेनियस पांच निकल कर आ चुका है पर आपको देखोगे तो यार ये बहुत बड़ी फिल्म हो गई इतनी बड़ी कहानी रचना को आसान चीज है और ये तो नन्नी मुन्नी वैल्यू है तीन चार पांच तो मैं आपको ना कुछ चीजें लिखवाने वाला हूं ट्रिपलेट उन्हें ध्यान से लिखना फिर इस क्वेश्चंस पर आएंगे और इस तरह के बहुत से क्वेश्चनों पर आएंगे जैसे ये वाला क्वेश्चन था हमारा इस पे भी आएंगे हमारा रिमोट का है ये तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पर आएंगे एक कुछ चीजें लिखवा रहा हूं अब अब लिख लो त्रिदेव वाली शक्ति ट्रिपलेट के बारे में देखिए कभी भी आपके सामने कोई ऐसी फिगर की बात हो जाए जिसमें तीन साइड हो और उसका एक एंगल नब्बे डिग्री का हो यानी आसान शब्दों में कहूं तो राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज की बात होगी तो मेरे भाई हमेशा कुछ ट्रिपलेट आपको हमेशा याद रखने जो एग्जाम में सीधे के सीधे आ जाते हैं एक सीरीज होती है तीन थोड़ा छोटा लिख लेते हैं देखिए एक सीरीज होगी कॉपी में उतारते रहना मेरे भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी क्लास इसी एक पेज पर खत्म हो जाएगी अगर आपने ये एक पेज ध्यान से पढ़ लिया तो पूरी मैनसुरेशन जिसने आज तक आपको दुखी कराता आपका ऑफर कभी एक्सेप्ट नहीं कराता वो मैनसुरेशन आपके दिल में बैठ जाएगी क्योंकि दिल में बसा लो कुछ ऐसे कह के मतलब कुछ ऐसा एक डायलॉग होता है ना चलो अब इस पर आ जाओ तो देखिए आपको जो कुछ ट्रिपलेट है वो क्या क्या याद करने हैं एक ट्रिपलेट तीन चार पांच देखिए हमेशा याद रखना कोई भी तीन साइडों वाली फिगर हो उसके अंदर नब्बे डिग्री के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है यानी अगर मैं आपसे कहूं कि ये ना एक रिलेशन है और ट्रिपलेट का मतलब कि मेरे भाई ये तीन साइडें हैं तो तीनों साइडें किसी राइट एंगल ट्राइंगल की हैं समकोण त्रिभुज की हैं और यहां से जो सबसे बड़ी साइड है वो हमेशा हाइपोटनियस होगी यानी कि कर्ण ठीक है और साथ ही अगर इन दोनों की बात करूं तो इनमें से कोई भी परपेंडिकुलर और कोई भी बेस हो सकती है अब आगे चलते हैं यहां से ना आपको एक सीरीज निकल कर आएगी और वो सीरीज क्या होती है देखिए अगर पहली बेसिक सीरीज होती है तीन चार पांच बेसिक सीरीज है तीन चार पांच अब आप देखिए एक का दो दो गुना कर दो इसका भी डबल इसका भी डबल और इसका भी डबल तो यहां से एक नेक्स्ट सीरीज मिल जाएगी आपको तीन दुनी छी टू जा सिक्स चार दुनी आठ फोर टू जाट पांच दूनी दस यानी छोड़ सीरीज की अगर हम बात करें तो मेरे भाई हमें तीन तीन गुना करना होगा ठीक है थ्री थ्री जा इसका भी तीन गुना चार तीय बारह पांच तीय पंद्रह अभी आप बहुत से बच्चे हल्का हुल्का समझ पा रहे होंगे क्या कह रहा हूं नहीं समझोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाओगे बस इस एक पेज के बाद आप धुरंधर बनने वाले हो जैसे मैं इसका तीन का कितना गुना कर दू चार तो अगर मैं सभी का चार गुना करूं जैसे तीन चौक बारह तो इसका भी चार गुना चार चौक सोलह और इसका भी चार गुना पांच चौक बीस इसी तरह से इसका पांच गुना कर दिया जाए कॉपियों उतार रहना तो थ्री फाइव जा फिफ्टीन ठीक है फोर फाइव जा ट्वेंटी और फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव इस तरह से ट्रिपलेट की सीरीज आपके सामने आ जाती है यानी देखिए अगर कभी भी कभी भी मैं आपको बताना चाहूंगा अगर कहीं पर इस तरह से लिखा जाता है कि मेरे भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है एक कोण 90 डिग्री है और आपके सामने आपको ये वाली सीरीज यूज करके कैसे दे दिया जाए ध्यान से देखेंगे आपके लिए एक साइड 9 दे दी जाए और एक साइड 12 और तीसरी पूछ ली जाती है समझेंगे इस बात को एक नौ दे दी एक बारह और तीसरी पूछ ली गई और आपको पता है एक सीरीज होती है ट्रिपलेट की नौ बारह पंद्रह यानी कि जो तीसरी मिसिंग है और जैसा कि हमें पता है नब्बे के सामने वाली सबसे बड़ी यानी नौ 12 के अलावा पंद्रह यहां मिसिंग है यानी ये तीसरी साइड 100 परसेंट पंद्रह होगी 100 परसेंट पंद्रह होगी यहां से डायरेक्ट हम इसके पास पहुंच पाए पर अभी आप कहोगे सर ऐसे तो बहुत सारी हमें याद करनी पड़ेंगी नहीं मेरे भाई नहीं करनी पड़ेंगी अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे देखिए अब मैं आपके सामने कुछ चीज लिखता हूं आपको और मजा आने वाला है अब देखिए अगर मैं लिख दूं मेरे भाई ये चीज मैंने लिख दिया यह थर्टी थ्री है ठीक है ध्यान से सुनेंगे ठीक है ये थर्टी थ्री है ठीक है थर्टी थ्री मत लिखो इसको थर्टी सिक्स लिख लो ठीक है इसको हम क्या लिख देते हैं थर्टी सिक्स इसको फोर्टी एट लिख देते हैं तो आप बताइए ये साइड कितनी होगी अब बताओ जल्दी से बताओ क्या होगी हाँ भाई ची तो मेरे बब्बर शेर और शेर नहीं हो बताओ जल्दी बताओ अरे आज कैसे हल्के से पढ़ रहे हो इतनी बेहतरीन क्लास में भी इतने कम आ रहे हो मेरे भाई जल्दी शेयर कर कराओ यार ऐसे मजा नहीं आएगा

इतनी बड़े तक जाना तो हमें नहीं पता था पर मुझे पता है कि जो बेसिक जो बेस सीरीज है वो क्या है तीन चार पांच यानी अगर मैं इसका बेस यूज करूं यानी ये तीन हो ये चार हो तो ये हमेशा पांच होगी पर अब मैं चेक करूंगा कि एक्चुअल में ये तीन ना होकर छत्तीस है इस तीन से ये कितने गुना ज्यादा है बारह इसी तरह से इस चार से फोर्टी एट बारह गुना ज्यादा है यानी कि सेटिस्फेक्शन पूरी पूरी है यानी ये जो साइड है यह भी पांच ना होकर गुना ज्यादा होगी और यही हमारा उत्तर आ जाएगा किसी को अब डाउट है तो बताओ मजा आ गया वीडियो को लाइक कर दो हाँ भाई मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहो अब कोई डाउट नहीं है लव यू टू मेरे भाई लव यू टू अब चीजें मुझे लगता है आपको समझ आ रही होंगी जैसा अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और देता हूं यहीं के यहीं देता हूँ फिर आगे हम चलेंगे चीजों पर ठीक है क्योंकि ना चीजें क्लियर हो जाने चाहिए तभी जाकर आगे मजा आने वाला है ठीक है लीजिए आ जाइए अगर मैं लिख दूँ इसको मेरे भाई आपके सामने आ इसको ले लीजिए आप इसको फोर्टी फाइव ले लीजिए इसको सेवेंटी फाइव ले लीजिए और मैं आपसे पूछ लू ये वाली साइड कितनी होगी बताओ कैसे निकालोगे जल्दी से बताओ आपको ये देखिए ये देखिए ये पूछा गया जल्दी से तो आपको पता है कि भाई साहब आपके पास दो तरीके हैं या तो आप इस फॉर्मूले का यूज करें पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर यानी कि इस साइड का स्क्वायर प्लस इस बी जो कि हमें पता ही नहीं है इसका स्क्वायर प्लस में उधर पिचहत्तर का स्क्वायर पर मेरे भाई यहां लग जाएगी बहुत मेहनत इतना ही टाइम ही हो मेरे भाई देखिए आज के समय में अगर जो जंग जीत रहा है एग्जाम में तो वही जीत रहा है जिसपे टाइम है जब आप एग्जाम देकर घर आते हो तो आप कहते हो तो यार ये भी आता था। क्यों नहीं कर पाए क्योंकि टाइम नहीं था तो हमें उसी टाइम को बचाना है तो आपको ट्रिपलेट की सीरीज पता है तीन चार पांच यह जो वैल्यू है तीन से पंद्रह गुना इसी तरह से इस पांच से पिछहत्तर पंद्रह गुना तो यह जो साइड आएगी यह भी पंद्रह गुना ज्यादा साठ आ जाएगी और यही यह हमारा उत्तर हो जाएगा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा मजा आ रहा है पर आप देखिए एक सीरीज होती है तीन चार पांच उसके बाद सारी चीजें चलती है एक सीरीज अब मैं सारी लिखवा रहा हूं देखिए बेसिक सीरीज लिखवा रहा हूं सारी सारी ट्रिपलेट की बेसिक सीरीज ट्रिपलेट की सारी बेसिक सीरीज लिख रहा हूं एक होती है तीन चार पांच जो कि अभी, अभी हमने देख ली तीन के बाद दूसरा जो ओड नंबर आएगा कौन सा नंबर ओड विषम संख्या वो होती है पांच तो एक सीरीज होती है पांच बारह तेरह इसको मिटाई देते हैं इसको बाद में लिख दें पांच बारह तेरह ठीक है नेक्स्ट सीरीज होती है मेरे भाई पांच के बाद आता है सात तो एक होती है सात चौबीस पच्चीस ठीक है एक होती है मेरे भाई सात के बाद नौ चालीस इकतालीस एक, एक होती है ग्यारह साठ इकसठ ठीक है एक होती है मेरे भाई आठ पंद्रह सत्रह ठीक है ये इस तरह से सीरीज चलती है एक और होती है सात चौबीस पच्चीस वो तो लिखवा दे चलो ठीक है जैसे कि अगर आपके सामने देखिए अगर इस सीरीज की कोई एक सीक्वेंस आ जाएगा तो आप क्या देखोगे पांच दुनी दस बारह दुनी चौबीस और तेरह दुनी छब्बीस बात सही सही है अगर आपको पता है इस चीज का तीन गुना होगा तो जो सीरीज होगी एक्चुअल में वह इन सभी का तीन तीन गुना होगी पंद्रह ट्वेल्थ उनतालीस अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जिससे और ज्यादा आपको चीजें समझ आ पाएंगी जिससे बहुत ज्यादा मेरे भाई जादूगर तो मैं तुम्हें बना दूंगा मैं ऐसे वाला जादूगर हूं जो एक दिन में दूसरे बच्चों को जादूगर बना देता हूं ठीक है अब मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जिससे कि आप गलतियां कम करने वाले हो क्योंकि ऐसा थोड़ी है मैंने ये बता दिया तो आप हमेशा इस चीज का सही यूज कर पाओगे कहीं ना कहीं गलती कर दे तो अब उस गलती से मैं आपको बचाता हूं आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन दिया ध्यान से सुनेंगे और मैंने कहा मेरे भाई ये पंद्रह है ध्यान से सुनते रहेंगे क्वेश्चन को ये पंद्रह है ये मेरे भाई हमें ढूंढना है और ये एंगल नब्बे डिग्री का है और ये साइड मुझे थर्टी नाइन दी गई है तो क्या आप मुझे इस साइड को निकाल सकते हो क्या आप मुझे इस साइड को निकाल सकते हो ठीक है तो देखिए आप सबसे पहले अभी तो पता नहीं शायद क्या करो पर आज अभी से दो मिनट पहले एक मिनट पहले आप पता है क्या करते आप क्या करते आप मेरे प्यारे भाइयों आप इसे तीन लिखते इसे चार लिखते और इसे पांच लिखते ये हंड्रेड परसेंट शायद अभी आपके दिमाग में पता लग चुका होगा क्या करना है पर जो सच्चाई है आप क्या करते हैं इसे तीन इसे चार पांच आपको लगता है यही बेसिक सीरीज है और फिर उसके हिसाब से आप देखते हैं इस तीन से ये कितने गुना है पांच गुना और आप क्या करते हैं चार का पांच गुना बीस उत्तर दे देते ऐसा कौन कौन कर रहा है अब आप ध्यान से समझेंगे देखिए सही है आपने करा सही है पर एक्चुअल में इस वैल्यू से ये पांच गुना है क्या इस वैल्यू से भी ये पांच गुना है देखिए हमें दो चीज है ना एक तो था और एक थर्टी नाइन क्या इस पांच से पांच गुना है नहीं है यानी सीक्वेंस नहीं बन रहा तो हम इस चीज को लेकर नहीं चल सकते पर जब ये आपकी नजर इस थर्टी नाइन पर पड़ेगी तो आपकी बुद्धि में आएगी मेरे भाई एक ऐसा ट्रिपलेट एक ऐसी जिसकी सबसे बड़ी वैल्यू थर्टी नाइन यानी के में आता है, तो है, तो है, तो है भैया सबसे बड़ी वैल्यू तो तेरा से डिवाइड हो रही है बस इतना ही आपके दिमाग में आना था तो बस अब आप आपका आंसर आ जाएगा तो आप क्या करोगे देखिए बस अब आप इसे ऐसे लिख दीजिए इसे पांच इसे बारह इसे तेरा पांच से पंद्रह तीन गुना थ्री टाइम्स तेरह से थर्टी नाइन ये भी तीन गुना और मेरे भाई इसी तरह से बारह का तीन करें तीन गुना करेंगे थर्टी सिक्स हमारा आंसर आ जाए यानी यह साइड हमारे पास छत्तीस आ चुकी है समझ आ रहा होगा ठीक है बहुत गजब बहुत गजब मजा आ रहा है जितने भी आपके यार दोस्तों ने बुला लो जल्दी से क्योंकि अब क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं अब आप देखिए इसी तरह की बहुत सारी सीरीज होती है एक होती है सात चौबीस पच्चीस नौ चालीस इकतालीस ग्यारह साठ इकसठ आठ पंद्रह सत्रह तो इसे इसे इंपॉर्टेंट करके इसे इसे और इसे अपनी कॉपियां लिख लीजिए अब एक क्वेश्चन पूछूंगा अगर उसका जवाब दो सेकंड में दे दिया तो मैं समझ पाऊंगा कि जो मैंने मेहनत करी वह सफल हो चुकी है पर इस पेज पे नहीं पूछूंगा ठीक है पिछले पेज पे पूछूंगा चलो इस पेज पे इतना सारा होमवर्क है चलो देखिए थोड़ी सी जगह मिटाता हूँ देखिए मैं दे दूँ ये दस मैंने दे दिया ये छब्बीस है तो ये साइड बताओ अगर ये एंगल नब्बे डिग्री है अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए तो मैं मान जाऊंगा हाँ भाई जितनी मैंने मेहनत करी इतनी देर में वो मेरी मेहनत सफल हो चुकी है हाँ भाई बताओ बताओ तो देखिए अब आप क्या कहोगे कि सर जितना आपने सिखाया तो ये जो 26 है तो 13 के पहाड़े में आ रहा है यानी आपके दिमाग में ठक से एकदम आएगा कि हमें जो सीरीज यूज करनी है वो पांच बारह तेरह वाली करनी चाहिए जैसा अब अगर आप कंपेयर करोगे तो जो साइड हमें एक्चुअल में दी गई है वो हमारी वैल्यू से डबल है क्या ये भी इससे डबल है तो तेरह से छब्बीस भी बिल्कुल डबल है तो मेरे भाई ये पूरी साइड भी बारह का डबल चौबीस हो जाएगी बहुत गजब अरे सारे के सारे कमेंट दिया कर वो लाइव चैट में कमेंट करा करो मेरे भाई जो भी बच्चे ऐसे ना कि जो नहीं करते उन्हें भी वो भी करा करो ऐसा थोड़ी होता है ठीक है अब आप एक बार बताओ ये सारे कॉपियां लिख ले ग्यारह साठ इकसठ लिख लिया अब आप मुझे एक छोटी सी चीज और बता दो फिर मैं एक क्वेश्चन और आपसे वो फिर क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं ठीक है मैं कहूं कि ये साइड ग्यारह है ये इकसठ है तो ये कितना होगा बताओ बताओ जल्दी से अब आपके सामने क्या कोई ऐसा इस पूरी की पूरी बोर्ड पर ऐसा ट्रिपलेट है जिसके अंदर स्... पूरे रिलेशन में सबसे बड़ी साइड मतलब सबसे बड़ी वैल्यू इकसठ हो तो आप देखोगे भाई बिल्कुल है ग्यारह साठ इकसठ जिसमें से ग्यारह ये रहा इकसठ ये रहा तो बचा हुआ साठ यानी ये साइड एक्चुअल में साठ होगी ठीक है बस यही एक क्वेश्चन मैंने पीछे अभी पूछा था आपसे शायद ये था ग्यारह ये इकसठ है तो ये कितनी हो जाएगी Start. मैंने क्या कहा था एक सेकंड में आंसर ना दे पाओ तो वीडियो छोड़ देना दे दिया ना एक सेकंड चुटकियों में, तो में होंगे तो बीच में आ जाइए अच्छा क्वेश्चन पर आने से पहले ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को देखिए बट मैं एक बार राइट एंगल ट्राइंगल का ही बता हूँ छोटा सा फोमला की जरूरत तो नहीं है बट फिर भी कभी भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा हो और कह दिया ये छे है ये आठ है ये दस है तो आपसे एरिया पूछा जाएगा तो देखिए दो तरीके हैं आपको एरिया निकालने का क्षेत्रफल निकालने के दो तरीके आपसे इस तरह से ट्राइंगल बना के उसका एरिया पूछा जाएगा तो एरिया का फॉर्मला होता है हाफ बेस इंटू हाइट हाइट मतलब ये नहीं है कि नब्बे डिग्री के सामने साइड ये तो हाइपोटेनियस है कर्ण हाइट यानी कि जो इसके बेस पर नब्बे डिग्री का इस तरह से एल्टीट्यूड डाला गया ये तो एक तो ये तरीका होता है एरिया निकालने का हाफ बेस यानी आठ इंटू हाइट यानी छे तो दो से आठ को चार पर काटोगे फोर सिक्सा ट्वेंटी फोर एक तरीका ये हो गया दूसरा तरीका फॉर्मूला याद रखने का फॉर्मूला होता है हाफ नब्बे डिग्री के सामने वाली साइड को छोड़कर ध्यान रखेंगे नब्बे डिग्री के सामने वाली साइड को छोड़कर हाफ जो इसके सामने वाली साइड को छोड़कर बची हुई दोनों साइडों को मल्टीप्लाई जो जो इसे बना रही है ना नफे को उन दोनों मल्टीप्लाई हाफ सिक्स इंटू एट सीधा ऐसे ही सीधा ठीक है क्योंकि इसे ऐसे घुमा देंगे तो ये बेस हो जाएगा तो इतना ना बच्चा बेहतर है हाफ इन दोनों साइडों को मल्टीप्लाई ठीक है अब क्वेश्चन पर आ जाइए अब ये क्वेश्चन है जल्दी से इसका उत्तर देंगे हाँ भाई तेजी से देते रहेंगे तेजी से और एक बार शेयर और कर देंगे एक बार शेयर कर देंगे जिससे कि कोई भी बच्चा मेरे भाई यहां पर और एक बार लाइक कर देंगे जल्दी से क्योंकि अब एक्चुअल में क्लास स्टार्ट अब हुई है एक्चुअल में अभी भी किसी को नहीं बुला पाए और मैं तो कह रहा हूं कि आज रात में मुझे पता है हर बार जब भी पढ़ाता हूं बारह बजे सर जी मैसेज आ रहा है उसका क्या करूं मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं आज खाना नहीं बचेगा तो भैया खाना पच जाए यहीं बुला लो यहीं पर देख लेना में ज्यादा दम है तो उसको मैसेज कर दो आ देखे जरा किस में कितना है दम संभल के चैट में मतलब आंसर देना सनम आ मेरे साथी ऐसे करके एक मैसेज कर दो मतलब इतनी गाना मत गा देना नॉर्मल सा आ जाओ अब हम स्पीड में चलने वाले हैं मेरे भाई और ये स्पीड सिक्स जी की होने वाली है मार्केट में लॉन्च नहीं पर आज मैं लॉन्च कर देता हूं आपने देखा तो सबसे पहले देखिए ट्रायंगल बनाने की जरूरत है नहीं हमें कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको ट्रायंगल बनाने नहीं बनाना है पर हमारी पहली क्लास है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स चीजें क्लियर होते होते ही तभी बड़े क्वेश्चंस में जाएंगे तो हम चीजों को लिखते हुए चलेंगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात की गई है अब हमें बताया उसकी तीन साइडें हैं। तो मुझे पता है कि मेरे भाई आप 90 डिग्री के सामने दो पांच बारह तेरह में से जो सबसे बड़ी होती है वो होती है 90 के सामने और बाकी बची हुई में से चाहे पांच इसे मान लो चाहे पांच इसे मान लो चाहे बारह इसे चाहे बारह इसे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा उससे आपकी कोई दिक्कत नहीं है तो मैं इसे पांच मान लेता हूं इसे बारह तो एरिया क्या होता था हाफ हाफ 90 डिग्री के सामने वाली साइड को छोड़कर इन दोनों साइडों का मल्टीप्लाई ठीक है तो दो से ये छे पर गया छे पंजे तीस यह हमारा उत्तर आ चुका है क्या हमें एक्चुअल में फिगर बनाने की जरूरत थी नहीं थी क्यों नहीं थी हमें पता है हमारे पास तीन साइड ए क्वेश्चन में गिवन है पांच बारह तेरा मुझे पता है इन तीनों में से सबसे बड़ी इन तीनों में से सबसे बड़ी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कहीं वहां पर जाके अपनी भैया ड्राइंग बनाने लग जाओ दिखाओ कि भैया कितनी सुंदर ड्राइंग बनाते नहीं इन तीनों में से सबसे बड़ी तेरा जो है नब्बे के सामने रखी जाएगी यानी कि एरिया निकालते वक्त इसका कोई यूज नहीं है एरिया निकालते वक्त सिंपल हाफ जो ये दोनों साइड हैं इनका मल्टीप्लाई बस यानी विद इन सेकेंड आप सिक्स फाइव जै ऐसे उत्तर दे सकते थे बिना इस फिगर के ठीक है ये बेसिक चीजें इसलिए बता रहा हूं अभी क्लास की शुरुआत है आगे ये चीजें मुझे पता है, नहीं बता पाऊंगा अभी बताकर चलता हूं जिससे मैं डायरेक्ट जब चीजों का आंसर दूं तो आप समझ पाओ हाँ भाई बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अगर आपने एक सेकंड में आंसर दे दिया तो मान जाऊंगा आपके पास दो सेकंड का टाइम है जल्दी से उत्तर दीजिए कोई दे सकता है मेरा भाई यहां पर मेरा भाई बहन बब्बर शेर शेरनिया आ जाओ आ जाओ आ जाओ देखो मेरे भाई देखो ज्यादा स्पीड ना बढ़ाऊं धीरे धीरे चलो ठीक है क्वेश्चन में कहा गया है कि एक समकोण जिसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं उसका एरिया तीस है परंतु उसके कर्ण यानी कि मेरे भाई उसके हाइपोटेनियस की लंबाई तेरा है देखिए आप ना आंख बंद करके अपने आप बता पाओगे कि अगर कोई ऐसा ट्रिपलेट कोई ऐसी सीरीज आपके दिमाग में हो नब्बे डिग्री के सामने वाली साइड तेरा है तो एक ऐसी सीरीज जिसकी सबसे बड़ी वैल्यू तेरा हो कोई ऐसा ट्रिपलेट तो आपके सामने आएगा सबसे पहले पांच बारा तेरा। बात सही है भाई तो जो सबसे पहले ट्रिपलेट आपके दिमाग में है पांच बारह तेरह यानी कि एक्चुअल में इसकी जो तीन साइडें हैं उसमें से एक पता है और दो बची हुई पांच बारह होंगी क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी तो सबसे छोटी पांच अब एक्चुअल में जब आप एग्जाम में हो तो इतनी मेहनत मत करना सिंपल डाय अगर आपको होता है कर्ण तेरा है तो जो सीरीज बनेगी पांच बारह तेरा वाली बनेगी जिसमें सबसे छोटी पांच और आपको छूटते ही उत्तर देना है, अगर आपको और से आगे निकलना है ये जो दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच दस दस सेकंड होते हैं ना यही बचाकर विजेता विजेता बनता है समझ लो सौ तो मीटर की दौड़ी दस सेकंड में पार हो जाती है तो भैया दस सेकंड का मतलब भी बहुत बड़ी बात होती है आ जाइए अच्छा बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये 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 क्या 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 है क्या है ये तीस है एक्चुअल में में वो जो बचपन मतलब होता था कि जैसे कोई रास्ता बताता था सामने वाली दुकान है भैया किसकी मतलब सामने किसी को जाना है तो आप जैसे नटकट बच्चे भैया यहां से घूम के यूं जाइए और जाइए और पल्ले गांव में होके वहां पूछ लियो वो तुझे बता देगा तो ये तीस आपको मतलब घुमाने के लिए है इसका कोई यूज नहीं हाँ फॉर्मूले से करोगे

तो दो से छे पर छे पंजे तीस हा मेरे भाई सच्ची में तीस आ रहा है यानी हम पांच बारह जो साइड लेकर चल रहे हैं वो बिल्कुल सही चल रहे हैं तो अब आपको जब भी लग रहा हो मतलब आपको पता लग गया ना कि इसका यूज था ही नहीं आप सोचो ये सर ये क्यों निकाला ये तो सर समझाने के लिए हमारा उत्तर डायरेक्ट आ सकता है अगला क्वेश्चन बताओ मेरे बब्बर सेरो का आंसर क्या हुआ? जल्दी से आ रहे आज की क्लास सबसे जबरदस्त है ऐसी क्लास तो मेरे भाई आज तक तुमने पढ़ी और हो होगी पढ़ी होगी ऐसे मुझसे पढ़ी होगी नहीं कहते नहीं किताबें बहुत सी पढ़ी ऐसे ही कि भैया मैं तो तुमको पढ़ाई होगी बहुत टीचरों ने मगर मेरी जैसी किसी ने ना पढ़ाई होगी आ जाइए अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप समझ रहे होगे कि राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने बना दिया अब क्वेश्चन के अंदर उसकी जो सबसे बड़ी साइड है विकर्ण देखिए हाइपोटेनस को डायगनल भी कहा जाता है ठीक है वह हमें 26 दी गई है अब या तो आप प्रो प्लेयर हो प्रो यानी कि जिसको सारी चीजें रटी पड़ी हैं तो अच्छा है नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो आपको पता है ये दस होगी ये चौबीस होगी अब अगर नहीं याद तो मेरे भाई क्या करना था तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि ये आ रहा है तेरह के पहाड़े में यानी एक्चुअल में ये पांच बारह तेरह वाले सीक्वेंस की सीरीज है इसी सीक्वेंस का यूज करके एक अलग सीक्वेंस जो हमने क्रिएट करा था उसी की ये सीरीज है और अगर हम देखेंगे तेरह का डबल है तो यहां जो एक्चुअल साइड होगी वो पांच ना का डबल छब्बीस के कंपेरिजन में कह रहा हूं वो दस होनी चाहिए और यहां जो होनी चाहिए वो बारह का डबल चौबीस होना चाहिए या तो आपको ये रट गए हो तो बहुत अच्छा है। नहीं रटे तो मेरे भाई तब भी कोई दिक्कत नहीं है यानी एक्चुअल में जब ये छब्बीस कब आया होगा जब ये दस और ये चौबीस रहा होगा पूछा क्या है एरिया यानी क्षेत्रफल होता क्या है हाफ नब्बे के सामने वाली साइड को छोड़कर बची हुई दोनों का मल्टीप्लाई यानी दस गुणा में चौबीस इससे काटेंगे इसे बारह पर बारह गुणा में दस एक सौ बीस गली गली में मुंडे करे मेरी मतलब इस तरह से गाना है एक चार सौ बीस है तो वो एक सौ बीस हमारा आंसर आ गया ठीक है ठीक है अरे हार्ट तक पहुंचेंगे ना अरे एक बात बताओ आप बचपन में गए है ना तो आपका एक छोटा नन्ना मुन्ना राही पैदा हुआ तुम यू थोड़ी है? जाके टीचर की गुद्दी पकड़ो है भाई ए बी सी डी पढ़ा रहा है मेरा लॉन्डा बारहवीं की बुक पढ़ेगा आज उसे तुम नर्सरी में एडमिशन करा के आए उसकी गुद्दी पड़े टीचर तुम गए तेरी तू बारहवीं की बुक पढ़ाएगा मेरे लॉन्डे को अबे भैया अभी क्लास स्टार्ट हुई है अभी दे दूं सबसे टफ सा क्वेश्चन ए गुरुजी ये क्या दे दिया समझाते तो नहीं सीधा क्वेश्चन आ दिया टफ सा भैया एक सीक्वेंस में ही तो चलेंगे हैं बस और किसी दिन में तुम्हारे लड़के मैं ही पढ़ा रहा हूँ उसने शिकायत कर दी स, पापा, पापा पापा बहुत टफ क्वेश्चन देते हैं सर तुम तो मुझे फोन हो जाए गुरु जी इतनी फीस भरी है हमने हैं अब तो आप फीस भी मोटी लेते हो उस समय तक लिया करो ना जब तुम्हारे वाले हो जाएंगे नन्हे उन्ने राय अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ तो भैया जैसे पढ़ा रहो चुपचाप पढ़ते रहो मुझे पता है टफ क्वेश्चन धीमे धीमे ही आएंगे एक साथ थोड़ी तुम्हारी छाती पे फेंक दूंगा क्वेश्चन धीरे 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 करके ही चीजें सिखाई जाती हैं आ जाओ क्वेश्चन कह रहा है इस बार मेरे भाई रेक्टेंगल का क्वेश्चन आ गया रेक्टेंगल यानी कि हिंदी में उसे आयत कहते हैं रेक्टेंगल अच्छा रेक्टेंगल के बारे में कुछ जानकारी दे, दे देता हूँ छोटी छोटी मगर मोटी चीजें रेक्टेंगल के बारे में जानते चलो वैसे मुझे पता है इतनी तो पढ़ाई सबने ही करी होगी रेक्टेंगल यानी कि आयत रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं तो रेक्टेंगल की इस तरह से फिगर होती है उसकी जो आमने सामने वाली साइड होती है वो आपस में बराबर होती हैं। सबसे पहली बात और आमने सामने वाली बराबर है तो ये भी बराबर होंगी अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना में चौड़ाई यानी अगर मैं ऐसे आपसे कह दूं कि ये साइड तीन है और ये वाली साइड मेरे भाई चार है तो आप क्या इसका क्षेत्रफल एरिया बता सकते हो क्या आप इसका एरिया क्षेत्रफल बता सकते हो तो सारे बच्चे बता पाएंगे आप क्या कहोगे सर चार तीये बारह यह इसका एरिया यानी क्षेत्रफल आ जाएगा ठीक बात है अब आप ध्यान से सुनिए एक बात और आपको ध्यान से समझनी है इसके सारों एंगल इसके चारों कोने वाले जो एंगल होते हैं सभी नब्बे नब्बे डिग्री के होते हैं जैसे ही आपके सामने मैंने ये बात कही कि इसके चारों ही एंगल नब्बे नब्बे डिग्री के होते हैं और आपके दिमाग में एकदम कुछ खुशी अनुभव खुशी आई और वो खुशी क्यों आई क्योंकि देखिए अभी तक ये चार साइडों वाली फिगर थी अगर मैं एक इस तरह से कट मार दूं इसके बीचों बीच तो आप अगर थोड़ा सा गौर करोगे तो आप एक चीज और ध्यान से देख पाओगे और वो चीज क्या है कि इस पूरी की पूरी मेरे भाई फिगर में दो ट्राइंगल बन चुके हैं एक ये और ये और भी राइट एंगल ट्राइंगल है और एक ये मैंने कहा ना सारे चार नब्बे नब्बे हैं तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल अब आप समझ गए भाई साहब ये तो खेल आसान हो गया यानी गलती से भी अगर आपको ये दोनों साइडें भी ना दी जाएं आपसे कह दिया जाए कि इसकी इस साइड को हम डायनल कहते हैं जो रेखा होती है ना इसे कहते है विकर्ण। अगर मैं कहते ये तेरा है, तो आप छूटते ही समझ पाओगे अगर आप इतने से हिस्से पर फोकस करो तो ये तेरा है तो ये पांच और बारह होगा कि नहीं बिल्कुल यही बस मैं चाह रहा था आपसे यानी अगर क्वेश्चन में ये तेरा दे दिया गया तो आप इसे पांच और बारह आसानी से निकाल ओगे यानी बिल्कुल बिना मेहनत करे कुछ मत दो हमें हम सब निकाल लेंगे अब आपसे अगर पूछा जाए इसका क्षेत्रफल तो हमें पता है वो होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई यानी बारह पंजे साठ इस तरह से हमें उत्तर देने हैं अब आ जाओ क्वेश्चन पर यह क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर क्या रखा है एक डायगनल सॉरी एक रेक्टेंगल है ठीक है अगर उसके डायंगल की बात करूं यानी विकर्ण की बात करूं तो विकर्ण तेरह है हमें पता है रेक्टेंगल कहते ही इसका एक कोण नब्बे डिग्री का होगा डायगनल हमें दे रखा है तेरा देखिए लिखा हुआ डायगनल तेरा है विकर्ण तेरा है हमारे को साथ ही साथ एक साइड भी दे रखी है पांच आपको पता है ये पांच है अगर मैं सिर्फ इतनी सी फिगर पर फोकस करूं आपको हमेशा ना इस तरह से अपने दिमाग में सोचना होगा कि यार ये एक इतनी सी फिगर पे फोकस करना है तो आप देखोगे ये पांच है ये तेरा है तीन साइडों वाली फिगर एक एंगल नब्बे डिग्री यानि ये तो भाई क्या है राइट एंगल ट्राइंगल इसकी तीनों साइडों में क्या लगेगा ट्रिपलेट यानी एक सीरीज जैसे पांच है तेरा है तो ये क्या निकल कर आएगी बारह इसका एरिया पूछा है तो एरिया के लिए बहुत पर्वत की जरूरत नहीं होती बाबू बस इस साइड लंबाई और इस चौड़ाई की जरूरत होती बारह पंजे साठ यह हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा अब स्पीड कैसी लग रही है अब आप आ जाओ अच्छा एक बच्चा एक दो ये क्वेश्चन है सबसे गजब इस क्वेश्चन को ना जब कभी हम होते थे छोटे से ठीक है तो हमें ये क्वेश्चन पढ़ाया करते थे दसवीं ग्यारह बारह में ओ भाई साहब हमारे मास्टर इस क्वेश्चन की ना इतनी बड़ी फिल्म बनाए थे अब मैं यार ये मास्टर नहीं हो गए मतलब क्या ही कुछ इसका फिर भाई साहब हमने इस पर मेहनत करी मैथ पे तब से ही हमारे भी एक अलग ही सिस्टम सा दिमाग में मतलब यार ये ऐसा कैसे हो सकता है नहीं मतलब कुछ तो इसका निकल करा है तो हमने मेहनत करी तो भाई चीज़ तक पहुँचे टीचर क्या करते थे कहते थे कि देखिए पेरीमीटर थर्टी फोर है तो आपको पता क्या करेंगे आप बुक में देखोगे या आपके टीचरों ने क्या कर रखा हुआ टू एल स्क्स बी बराबर आपको कह देगा थर्टी फोर है और उसके बाद मेरे भाई डायगोनल दे रखा है तेरा तो क्या कह देगा अंडर रूट एल स्क् प्लस बी बराबर दे रखा 13 और भाई साहब ले धड़ल्ले से काटा पीटी इधर स्क्वायर इधर स्क्वायर बराबर कर और सिस्टम ला दिया दिमाग का अरे मैंने कहा भाई साहब गणित हमारी गणित बन गई हमने कहा भैया लो हम किस्सा और कहानी खत्म करते हैं नहीं हमने सीधा भैया चुटकियों में होंगे सवाल क्योंकि नाम था हमारा राहुल देसवाल हमने कहा भाई साहब हमने बुद्धि लगाई कि इसका एक एंगल नब्बे डिग्री है अब तुम भी चीते बन चुके हो मुझे पता है एक मतलब चारों नब्बे होते पर मैं इसको नब्बे मैंने लिख दिया अब आपको यह देखा है तेरा है तो आपको ज्ञात होगा आपको पता है नब्बे के सामने वाली साइड तेरह है तो बची हुई बाकी पांच और बारह होंगी अगर मैं सिर्फ फोकस इस पे कर दू सिर्फ मैं फोकस इतने से हिस्से पे करूं तो है भैया ठीक है तो आप कहोगे सही बात सर है सही बात है अब आप देखोगे तो ये पांच है बारह तेरा तो एरिया क्या आ जाएगा बारह पंजे साठ लो भैया अब इस चौतीस का रिस्पेक्ट ही खत्म इस चौतीस की ये चौतीस क्या है ये चौतीस जैसे कि सामने दुकान है हमने घुमा के इधर उधर से बता दिया भैया वहीं पहुंचा दिया यानी चौतीस का कोई रोल ही नहीं था पर किसी के दिल में उमड़ उमड़ कर एक बात आ रही हो कि सर चौतीस है क्या तो देखो आप समझने के लिए आपको पता ये साइड पांच है ये साइड पांच है ये बारह है तो ये भी बारह होगी पेरीमीटर होता है चाहे तीन साइडों वाली फिगर हो चाहे चार साइडों वाली हो जो उनकी साइडें होती हैं, हैं, जो होती उन सभी की लंबाइयों का टोटल होता है परिमाप अगर मैं इसके सभी साइडों को जोड़ू तो बारह और बारह चौबीस पांच और पांच दस क्या इनकी सभी साइडों का टोटल चौतीस आ रहा है आ रहा है और यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इसका पेरीमीटर चौतीस है परंतु आंसर देते वक्त इस चीज का कोई यूज नहीं है ना ये तो एक्स्ट्रा है हमारा आंसर तो पहले ही आ चुका है समझ रहे हो तो हमें तो आंसर से मतलब है हमें महाभारत थोड़ी रचनी है नहीं हमें तो भाई साहब जो सौ मतलब कि कोई जो गुंडा है उसे मार के खत्म कहानी जो थोड़ी चार घंटे में फिल्म बनेगी आ जाओ अब आप समझ गए हो कि भाई साहब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको गुमराह करने के लिए आ जाइए तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें मेरे भाई अभी ऐसे ऐसे कठिन क्वेश्चन करा दूंगा तुमसे हिलेंगे नहीं मुझे पता है तुम मेरे पुराने बब्बर शेर शेर और सेर नहीं हो तो थोड़ा सा ये रिवाइज हो जाएंगे देखिए अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मुझे पता है अगर मैं इस तरह से एक लाइन खींचूं पहली बात ये रेक्टेंगल यानी इसके चार एंगल होंगे नब्बे नब्बे के मैंने एक बना दिया अब डायगनल की बात करूं तो क्वेश्चन कह रहा है सत्रह है अब आप थोड़ा सा अगर आपने कॉपियां लिख रखें लिख रखे अगर किसी ने नहीं लिखे तो वीडियो को पीछे ले जाओ वहां पर मैंने ट्रिपलेट लिखवा रखे हैं और मैंने ट्रिपलेट लिखवाया था आठ पंद्रह सत्रह ठीक है ओके यही वाला क्यों क्योंकि इसी में सबसे बड़ी वैल्यू सत्रह और नब्बे के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है ये सत्रह तो बची हुई दो आठ और पंद्रह होंगी ठीक है एरिया चाहिए तो पंद्रह अठे एक सौ बीस एक सेकेंड में उत्तर आ चुका है यही हमारा उत्तर किसी को डाउट अब मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर आ चुके पहले यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत नहीं है अब एक बात बताओ जो अभी स्पीड चल रही है वही नॉर्मल स्पीड रखनी है या बी मेरे भाई ऑप्शन अभी दो पोल डलवा देता हूँ ए और बी बी यानी स्पीड थोड़ी इंक्रीज कर दूँ ठीक है पर मेरे भाई चलो ऐसे ही चलते थोड़ी देर जो पुराने वाले जो चीते हैं भैया थोड़ा सा आप धैर्य रखो पोल नहीं डलवा रहा मुझे पता है आ, वैसे तो नॉर्मल ही आएगी मुझे पता है बट फिर भी थोड़ा सा जो पुराने वाले चीते गुस्सा मत हो ना थोड़ा धैर्य रखे चलो या पोल बताओ भाई क्या लगता है कि यह भी सवाल चुटकियों में हो सकता है क्या है अब तुम कहोगे सर क्वेश्चन तो अब आया है अब करके दिखाओ चुटकियों में हल सवाल नहीं तब कहेंगे तुम हो राहुल देसवाल हाँ भाई क्या लगता है ये क्वेश्चन भी चुटकियों में हल हो सकता है चलो ए और बी तुम खुद ही लिख दो बताओ मेरे बब्बर शेरो बताओ देखो मेरे भाई देखो मैंने क्या कहा दस हजार लाइव आएंगे तो उसके लिए एक आपको बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा पर तुम शेयर नहीं कर रहे ज्यादा है ना ऐसे मजा नहीं है तुम थोड़ा सा अपना टाइम दो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर से कर कर आओ तभी तो, तो मजा आएगा देखो आप ना इस क्वेश्चन को सिर्फ दो सेकंड में सोल्व कर सकते हो पहले मैं क्वेश्चन समझा दू सोल्व तो, तो हो ही जाएगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन कह रहा है एक इस तरह से ने एक मैदान है मैदान जो है रेक्टेंगल टाइप का है एक मैदान है और जो कि रेक्टेंगुलर टाइप का है अब हो क्या रहा है एक बच्चा किसी एक कोने से सीधा का सीधा ऐसे तिरछा चलते हुए दूसरे कोने तक पहुंच रहा है और इस तरह से पहुंचने में उसे पंद्रह सेकंड लग रहे हैं कितने सेकंड पंद्रह सेकंड परंतु जब हम चल रहे होते हैं कभी जैसे कि आप घर से स्कूल जाते हो तो ऐसे ऐसे जाते हो मम्मी मम्मी तो थप्पड़ मार फिर भी यूं यू ठमक ठुमक के चलते हो पर जब स्कूल से घर आते हो तो भाई साहब स्पीड और तेज होती है वहीं स्कूल से अगर किसी ऐसे के यहाँ जाना हो मोहब्बत करने वाले के पास जाना हो तो स्पीड तो तुम्हारी और तेज आती है तो स्पीड का बहुत बड़ा रोल है तो क्वेश्चन ने कहा है भाई साहब ये जो व्यक्ति है वो यहां से यहाँ तक जिस रफ्तार से जा रहा है वो रफ्तार है फिफ्टी टू मीटर पर मिनट यानी कि वो हर एक मिनट में वह व्यक्ति मेरे भाई कितने मीटर जा सकता है फिफ्टी टू मीटर वह व्यक्ति हर एक मिनट में फिफ्टी टू मीटर जा सकता है एक मिनट यानी साठ सेकेंड अब मुझे एक बात बताना इस बच्चे ने या इस व्यक्ति ने यहां से यहां तक टोटल पंद्रह सेकंड लिए हैं जो क्वेश्चन है बंदा ने यहां से लेकर यहां तक गया और उसको पंद्रह सेकंड लगे यानी ठीक है साठ सेकंड में वो इतने मीटर चल सकता है पर एक्चुअल में हमें ये जानना है कि उसने पंद्रह सेकंड में कितनी दूरी चली तो इसे पंद्रह बनाना होगा तो इसे पंद्रह बनाने का सबसे आसान तरीका है इसे चार से डिवाइड कर दिया जाए जब इसे चार से भाग देंगे डिवाइड करेंगे तो यहां भी चार से डिवाइड करना होगा जब चार से इसे डिवाइड करा तो यह पंद्रह पर गया और चार से यह तेरह पर गया यानी कि वो व्यक्ति पंद्रह सेकंड अगर चल लेता है तो तेरह मीटर की दूरी तेरह मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा होगा यानी इस पंद्रह सेकेंड में उसने जो डिस्टेंस कवर करा है वो तेरा मीटर है बस अब सारी चीजें क्यूवर अब सब कुछ आपका आंसर आ गया आपको पता है कि भाई ये रेक्टेंगल था तो भैया ये तेरा है तो ये पांच होगा और ये बारह होगा बात सही है ये भाई पांच मीटर होगा और ये बारह मीटर और आपको पता है उत्तर क्या होता है सॉरी एरिया क्या होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई तो बारह पंजे साठ मीटर इंटू मीटर मीटर का स्क्वायर साठ मीटर स्क्वायर हमारा उत्तर आ गया किस किस का आ गया भाई मजा आ रहा है अब आप कहोगे गुरुदेव आपकी बात सही है पर इसका क्या यूज इसका क्या यूज जो ये लाइन लिखी हुई है ठीक है इस पूरी लाइन का क्या यूज है तो मेरे भाई इस पूरी लाइन का यूज एक्चुअल में कुछ नहीं भी है और बहुत कुछ भी है आंसर देने के लिए हमारा आंसर आ चुका है जो आपको नंबर देगा ना पेपर में बैठा हुआ जो भी आपके चेकिंग होगी नंबरों की वो चेकिंग होगी भैया आंसर से वहां कोई नहीं देखेगा आपने पीएचडी करी है वो तो ये देखेंगे भैया चुटकियों में हो रहे हल सवाल जरूर पढ़ाए इन्हें राहुल देसवाल ने है ना ऐसा देखेंगे पर फिर भी अगर आपके दिमाग में ये आ जाता है सर इसका क्या रोल है कोई चाहता है जानना कि भाई इसका भी कोई रोल है कि नहीं है कोई रोल नहीं है पर हाँ इससे आप कुछ चीजें जान सकते हो वो चीजें क्या है देखिए क्वेश्चन में बताया एक अलग बंदा बी है जो ना इस तरह से जा रहा है वो इस तरह से गया बी यहाँ से यूं गया और फिर यहाँ से यूं गया तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जब वो इस तरह से गया तो उसने एक मिनट में जो उसकी स्पीड थी एक्चुअल में दो एक अलग बंदा बी यहाँ से यहाँ तक जाने में पंद्रह सेकेंड ले रहा है पर उसकी स्पीड क्या थी वह एक मिनट में सिक्सटी एट मीटर जा सकता था एग्जाम में इसका कोई रोल नहीं है ठीक है बस समझने के लिए ठीक है एक मिनट यानी साठ सेकंड साठ को पन, चार से डिवाइड करेंगे आप कहोगे क्यों क्योंकि देखिए अगर मुझे पता है ये व्यक्ति यहां से यहां पहुंचा है पर साठ सेकंड तक नहीं चला वो साठ सेकंड चलेगा तो इतने मीटर चलेगा पर एक्चुअल में उतना ही समय उसने लिया यानी उसने भी पंद्रह सेकंड ही चला तो पंद्रह सेकंड के लिए चार से इधर डिवाइड चार से इधर चार से काटेंगे पंद्रह पर तो पंद्रह सेकंड जब वो चला था तो एक्चुअल में सत्रह मीटर चला होगा अब आप एक बार ना चेक कर सकते हो क्या बारह और पांच सत्रह होता है बिल्कुल होता है यानी हम बिल्कुल सही जा रहे थे बट इसका कोई एग्जाम में यूज नहीं है ये तो सिर्फ आपके ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कि घर पे बैठे हो एक्स्ट्रा टाइम है तो ठीक है क्या एक्चुअल में हम जो जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं तो 100 परसेंट सही जा रहे हैं मेरे भाई सीजीएल के लिए सीजीएल के ही तो क्वेश्चन है सीजीएल रेलवे ग्रुप डी एन सब में ये सेम क्वेश्चन आप सर्च करो आपको पता लगे सीजीएल में भी आए ठीक है ये आपका स्टेट एग्जाम यूपी एमपी के जहां जहां मैं कम से कम दस एक बार आ चुका है क्वेश्चन ठीक है एन टीपीसी टू में ग्रुप डी में हर जगह दिखेगा ये सी एच एस एल में सीपीओ में और अगर जो पुराने टाइम से तैयारी करता होगा उसे पता होगा कि आते हैं क्वेश्चन अरे ओ कौन साहब भाई कैसे मेरे भाई देखो कोई भी किसी बच्चे को ऐसे परेशान नहीं करेगा जैसे एक लड़का है और वो गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है कि एक मतलब बच्चे के लिए जैसे देखो आपकी सिस्टर हमारी सिस्टर और जो यहाँ बच्चा कोई यह बैठा है शायद उसका भाई साइड रूम में बैठ के पढ़ रहा हो तुम किसी लड़की के लिए कुछ भी शब्द कह दो नहीं कल को आपकी सिस्टर या मेरी सिस्टर भी पढ़ेगी कोई और उसे छेड़ेगा मतलब सही नहीं रहता ना हाँ देखिए प्यार करने एक अलग चीज होती है बट इस चीजों से पता लग जाता है भाई कि ये तुम कर क्या रहे हो आ जाओ अरे इसका कोई यूज नहीं है एक बार और की जरूरत ही नहीं है बता तो दिया एक और क्वेश्चन ले लो ऐसा लो हाँ भाई कौन दिक्कत बताइए लाइक तो कर दिया करो इतना प्यारे प्यारे क्वेश्चन मेहनत करने पे मिलते हैं मेरे भाई आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि फिर से मेरे भाई ऐसा ही हुआ कि एक रेक्टेंगल टाइप का पारक था ठीक है और मेरे भाई मुझे पता ये नब्बे डिग्री एंगल दो व्यक्ति हैं जिसमें से पहले वाला इसी पारक में इस कोने से इस कोने तक जाता है पर पहले वाला जो ए है वो मेरे भाई इस तरह से जा रहा है और जब जाते वक्त अगर देखा जाए तो उसने कितना समय लिया तो क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि यहां से यहां तक वो पहुंच चुका था पंद्रह सेकंड में ठीक है पर यहां से यहां तक दूरी कितनी रही होगी तो दूरी निकाल लेंगे इसकी स्पीड देखते हैं इसकी स्पीड थी सिक्सटी एट मीटर पर मिनट एक मिनट में वह सिक्सटी एट मीटर जा रहा था सही बात है बिल्कुल एक मिनट यानी साठ सेकंड, परंतु यह जो दूरी है उसने सिर्फ 15 सेकंड में कवर की यानी हमें यह जानना होगा कि वो 15 सेकंड में कितना डिस्टेंस चल रहा है तो इसे 15 कैसे बनाया जा सकता है मेरे भाइयों आप कहोगे सर चार से डिवाइड कर दीजिए इसी तरह से चार से यहां भी डिवाइड किया जाएगा चार से जब इसे डिवाइड किया गया तो यह 15 आया और चार से इसे डिवाइड करने पर यह 17 आया तो 15 सेकंड में उसने सत्रह मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा यानी यह जो दूरी है एक्चुअल में सत्रह मीटर है इतना आपको पता लगना था कि एक अंदर से पॉजिटिविटी आएगी भाई साहब अब तो चुटकियों में होंगे हल सवाल क्योंकि सारा खेल समझ आ गया नब्बे के सामने वाली साइड अगर सत्रह है तो एक ट्रिपलेट आपके दिमाग में आ रहा होगा आठ पंद्रह सत्रह यानी बची हुई दो साइे आठ और ये पंद्रह होगी और एरिया कितना आ जाएगा पंद्रह अट्ठे एक सौ बीस कौन दिक्कत बताइए बहुत ही गजब भाई बहुत गजब आ जाइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मजा आ रहा है अब हम अगले क्वेश्चन पर आ चुके हैं देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन जल्दी से अब अच्छा ये बताओ थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दूं यस कर दो एक बार क्योंकि मुझे लगता है अब आपको चीजें समझ आ रही हैं नमस्कार मेरे भाई नमस्कार ठीक है आ जाइए लीजिए देखो यदि किसी आयत आयत यानी रेक्टेंगल के मेरे भाई विकर्ण यानी डायगनल तो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया इसके एक डायंगल की बात हो रही है तो ये है पच्चीस तो देखिए आप विद इन सेकेंड आंसर दे सकते हो कैसे दे सकते हो ट्रिपलेट की अगर मैं बात करूं तो देखिए दो तरह के बच्चे यहां पर होंगे पहले वाले जो क्या कहेंगे ये होगा, ये चौबीस होगा होगा भैया एक ट्रिपलेट अगर आप पीछे जाओगे क्लास के तो मैंने बता रखा है क्या होता है ट्रिपलेट सात चौबीस पच्चीस क्या बताए कि नहीं बताए मेरे भाई बिल्कुल मैंने आपको बता रखा है ट्रिपलेट सात चौबीस पच्चीस यानी ये सात है ये चौबीस है तो यह मेरे भाई पच्चीस होता है और सीधा एरिया अगर हमें जानना है क्या जानना है हमें तो आयत की लंबाई कितनी होगी तो आयत की लंबाई कितनी आ गई चौबीस और डायरेक्ट यह हमारा उत्तर आ चुका है देखिए कितना आसान क्वेश्चन बन गया पर अभी मैं बता अभी मैं बताऊं बताऊं अभी यह गलत भी हो सकता है ठीक है हाँ भाई क्वेश्चन की स्पीड नॉर्मल या फास्ट देखो एक हमारा वहां पे वो डल चुका है पोल ठीक है आप एक बात बताऊं बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर एक बात बताइए एक ट्रिपल एट यह भी तो होता है पंद्रह बीस पच्चीस ट्रिपलेट भी होता है परंतु अगर इस ट्रिपलेट का यूज करेंगे तो एरिया क्या निकल कर आएगा एरिया होता है हाफ सबसे बड़े वाली साइड को छोड़कर मल्टीप्लाई इन दोनों साइडों का मल्टीप्लाई शुरू में ही बताया था क्योंकि यह तो हो गया हाइपोटेनियस ये हो गया लंबाई सॉरी ये लेंथ और यह मेरे भाई हाइट ठीक है सॉरी बेस इनटू हाइट तो इसको जब सोल्व करेंगे तो दस पे जाएगा एरिया आएगा मेरे भाई डेढ़ जबकि क्वेश्चन में एरिया है वन और ये तभी आएगा जब हम एक साइड सात और एक साइड चौबीस रखेंगे ठीक है आ, आ, आ। अरे रुको मैं क्या करता पंद्रह बीस पच्चीस ना सॉरी एरिया क्या होता है इस वाली साइड को छोड़कर इन दोनों मल्टीप्लाई पंद्रह तीन सौ जबकि एरिया तीन सौ नहीं है वन सिक्सटी एट है वो कब आएगा जब इन दोनों मल्टीप्लाई होगा यानी हम बिल्कुल सही जा रहे हैं घबराने वाली कोई बात नहीं है आगे चले समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आ जाइए अगले क्वेश्चन पर इस क्वेश्चन का ना आप में से नब्बे प्रतिशत बच्चे गलत उत्तर देंगे हंड्रेड परसेंट बता रहा हूं ऐसे ऐसे धुरंधर जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाया करता था जो हर क्वेश्चन का जल्दी आंसर देते थे इस क्वेश्चन पर आते ही उनके ना मतलब सिट्टी पिट्टी गुल तो नहीं होती थी वो कोशिश ऐसी करते थे और एंड में आंसर गलत आता था आप में से बहुत सारा बच्चा कहेगा सर ये आंसर है सर वो आंसर है पर वो आंसर ही नहीं होगा ठीक है देखिए हमें क्या निकालना है विकर्ण यानी डायगनल चलो मैं इसके ऑप्शन रख देता हूं ए बी सी तीन ऑप्शन बहुत है बताना क्या हुआ ठीक है पांच सौ ठीक है अगर पचास या फिर पांच क्या ऑप्शन होगा बताओ देखिए आप गलती क्या करोगे आपको इतनी सी बात पता लग चुकी है कि मेरे भाई क्वेश्चन के अंदर उसकी साइडों का रेशो दे रखा है किसका साइडों का मेरे भाई एक रेक्टेंगल है उसकी साइड का रेशो दे रखा है कि एक साइड तीन है तो एक साइड चार है परंतु हमें ये ध्यान रखना होगा ये रेशो है पर बच्चा क्या करता है बच्चा सोचता भैया एक साइड तीन दे रखी है एक साइड चार तो बच्चा क्या करता है कि इसका रेशो क्या साइड होगा तीन रेशो चार. और एक्चुअल में एरिया होता क्या है इन दोनों का मल्टीप्लाई आप में से बहुत से बच्चे ऐसे करेंगे ये ये है 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 तो मेरे भाई हो गई एरिया होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई पर एरिया बारह नहीं है कितना है बारह सौ इससे सौ गुना ज्यादा तो हमारी ये साइड भी पांच ना होकर सौ गुना ज्यादा पांच हो जाएगी जो कि हमसे पूछी है और यही हम गलती कर बैठते हैं क्यों आइए मैं आपको बताता हूँ बहुत बड़ी आप यहां पर गलती करते हो उस गलती को यहां सुधार देता हूं आज <coughs> देखिए आपके बात सही है ये तीन ये चार पर एक्चुअल में रेशो का मतलब कभी आपको समझ आया होता क्या है देखिए अगर मैं एक तरफ रख दू नौ और एक तरफ रख दू बारह ठीक है अभी रेशो नहीं लगा रहे मैंने कहा इन दोनों को रेशो में बदलिए अनुपात में तो अनुपात का मतलब होता है इन दोनों में कुछ कॉमन होगा अनुपात का मतलब होता है इन दोनों में कुछ कॉमन है उसे काट दिया जाए तो इसके अंदर भी तीन है तो तीन तीनों तीन चौक बारह यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं रेशो का मतलब है कुछ ऐसी वैल्यू इन दोनों के साथ जरूर रही होगी जो हटा दी गई है अब वो ना मुझे पता है ना आपको ना ही क्वेश्चन में बताया गया है तो उस वैल्यू को हम एक्स मानकर चल रहे होते हैं यानी ये थ्री ना होकर एक्चुअल में थ्री एक्स है यानी कोई एक एक्स्ट्रा वैल्यू और है जो इसके साथ मल्टीप्लाई में रही होगी और ये फोर एक्स अगर ये थ्री एक्स है ये फोर एक्स है तो इसका जो डाइंगल जो हमें ढूंढना है ये थ्री एक्स फोर एक्स तो ये क्या आ जाएगा फाइव एक्स एरिया क्या होता है दोनों लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई यानी फोर थ्री या ट्वेल्व परंतु एक्स इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर हो जाएगा यानी एक्चुअल में चाहे यहां पर देख लो थ्री फोर ट्वेल्व एक्स का स्क्वायर होना चाहिए कब जब ये साइड थ्री एक्स और ये साइड फोर एक्स होगी है एरिया बारह सौ है एरिया कितना है मेरे भाई बारह सौ ठीक है बस अब सोल्व कर देते हैं बारह से इसे काटेंगे यह सौ पर जाएगा एक्स के स्क्वायर की वैल्यू सौ आ गई परंतु ये स्क्वेयर उधर जाके रूट डाल देगा तो ये रूट आ जाएगा 100 यहां से एक्स की वैल्यू 10 इस 10 को जब हम एक्स की जगह रखेंगे तो आप देखोगे 5 इंटू टेन हमारी ये साइड 50 आ जाएगी जो कि हमसे पूछी गई है उत्तर भी किसी को डाउट फास्ट चलो थोड़ी सी स्पीड तेज कर लेते हैं हल्की सी स्पीड तेज कर लेते हैं ठीक है हाँ भाई हल्की सी स्पीड तेज कर लेते हैं ठीक है एक की ऑफ टॉक्सिक मेरे भाई क्या हो गया कैसे तबीयत खराब हो रही है भाई कैसे कैसे मेरे बब्बर शेर कैसे तेरी तबीयत खराब हो रही है मेरे चीते बताओ मैं बताओ बताओ कोई यहाँ पर बताओ कोई चुटकुला सुना दूँ तुम्हारी तबियत सही करवा दी जाएगी बताओ लव यू टू मेरे भाई लव यू टू देखिए अब आपको ये बातें समझ आ गई हैं कि लंबाई और चौड़ाई का हमें रेशो दे दिया गया है अगर एक साइड बारह है तो दूसरी क्या है पाँच डायगनल की बात हो रही है मुझे पता है कि मेरे भाई लंबाई चौड़ाई और डायगनल क्या होगा ट्रिप्लेट लगता है या फिर आपको फिगर के साथ ही बताऊं जल्दी जल्दी थोड़ा समझ भी आ जाएगा जिनको देखिए रेशो दिया गया है क्या दे रेशो दिया गया है बारह और पांच पर जैसा कि आपको समझ आया है रेशो मतलब कुछ एक्स्ट्रा यहां से और यहां से गायब कर दिया गया है अगर उस एक्स्ट्रा को बारह के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बारह हो गया और इसके साथ फाइव एक्स यानी ये बारह एक्स है और यह फाइव एक्स है तो आपको पता है ये पांच बारह कितना आ जाएगा तेरह एरिया की अगर बात करूं तो एरिया क्या निकल कर आया बारह पंजे साठ और एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स का स्क्वायर पर क्वेश्चन क्या रहा है एरिया कितना निकल कर आया दो सो चालीस सोल करेंगे जीरो से जीरो सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर एक्स का स्क्वायर फोर है स्क्वायर उधर जाके रूट डालेगा एक्स की वैल्यू टू आ जाएगी हमसे डायगनल की वैल्यू पूछे तो डायगनल तो दो छब्बीस यही हमारा उत्तर आ जाएगा किसी को डाउट आगे चले लीजिए फिफ्टी टू कैसे आ जाएगा अरे तुम अलग ही खिलाड़ी हो अरे छब्बीस आएगा मेरा चीतो छब्बीस ओके मेरे भाई एक ही एक ही टू टॉक्सिक टौ आ जाइए क्या का कह रहा हो जय क्वेश्चन देखिए अब हम रोमबस से पहले ना एक सीरीज और कर लो रोमबस से पहले स्क्वायर वाले और कर लो क्योंकि हां पे आ जाओ रोमबस से पहले स्क्वायर यानी कि जिसे हम हिंदी में वर्ग कहते हैं इसके क्वेश्चंस को कर लेते हैं देखिए जैसा मैं हमेशा कहता हूं चुटकियों में होंगे हल सवाल

रेक्टेंगल की सभी कोण नब्बे नब्बे के होते हैं मेरे भाई स्क्वायर के भी चारों एंगल नब्बे नब्बे के होते हैं ये भी नब्बे लिखते रहना ठीक है और ये भी नब्बे उतना बता रहा हूं जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से साथ ही साथ मेरे भाई आपको एक बात और बता दू कि उसके अंदर क्या था सिर्फ आमने सामने वाली बराबर थी यहां क्या है यहां चारों ही एक एक बराबर होती है यानी अगर मैं कह दू इसकी ये साइड आठ है तो यह भी आठ होगी हंड्रेड परसेंट अगर सिर्फ मैं ये कह रहा हूं यह साइड आठ है तो यह भी आठ ही होगी क्योंकि स्क्वायर की चारों साइडें आपस में बराबर होती हैं ऐसा नहीं हमेशा आठ होती हैं हमेशा बराबर होती है, है। यानी अगर मैं कहूं ये साइड एक्स है तो यह भी एक्स होगी और यह भी एक्स होगी एक्स से दिल मत दुखा लेना एक्स की याद आ जाए और यह भी एक्स होगी क्योंकि पल भर में ऐसे बदलते हैं रिश्ते अब तो तुमको हर अपना बेगाना लगता है और मतलब आगे क्या कहूं तुम्हें हर कोई यहाँ दीवाना लगता है तो भैया देखो x की याद आ जाए तो y लिख सकते हो अगर तुम अपनी कॉपी में दुखी मत होने y लिख लेना तो ये x ये x ये x यानी चारों साइडें बराबर होती हैं बस इतनी सी बात पे आपको फोकस करना था अच्छा एक बात सोचिए अगर मैं कहूँ कि मेरे भाई चारों साइड है मिटा के ए लिख देता हूँ खामा खामा तुम याद करने लग जाओ देखो ठीक है तो भैया चारों साइड अगर ए ए ए है तो मैंने क्या कहा था पेरीमीटर क्या होता है होता है चारों का टोटल तो चारों साइडों का टोटल क्या आ जाएगा फोर ए सही बात है बिल्कुल सही बात है अगर मैं ये तो हो गया तोरीमीटर परिमाप अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो देखिए जैसा कि रेक्टेंगल में होता है लंबाई गुना में चौड़ाई पर यहां तो दोनों ही साइड बराबर हैं तो a इंटू ए यहां पर एरिया क्या हो जाता है a का स्क्वायर यानी सिंपल स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर कर देंगे और हमें क्षेत्रफल यानी कि एरिया मिल जाता है ये गाने ऐसे बन जाते हैं साथ के साथ ठीक है आ जाओ अब हम आ जाते हैं मेरे भाई किस पर क्वेश्चन पर देख लेते हैं अब अगर मैं इसको बेसिक बेसिक से करना चाहूं तो पहला करेंगे बेसिक से पहला क्वेश्चन न्यू टाइप है पहले क्वेश्चन को मेरे भाई हम बेसिक से करते हुए चलेंगे ठीक है फिर हम विद इन सेकेंड अपनी ट्रिक भैया यहां पे राहुल देश वाले तो चुटकियों में होंगे हल सवाल तो ट्रिक भी लगेगी तो देखिए द दैरिमीटर ऑफ टू स्क्स आर क्वेश्चन कह रहा है दो स्क्वायर का परिमाप अच्छा एक चीज और पीछे सिखाऊ मैं आपको एक छोटी सी बात मुझे बताओ पहले अगर ये एक स्क्वायर है ध्यान से सुनेंगे अगर ये एक स्क्वायर है और इसकी एक साइड आठ है अगर ये स्क्वायर है और इसकी एक साइड आठ है तो इसकी चारों साइडों का टोटल बताओ पेरीमीटर बताओ परिमाप जल्दी से तो आप पलक झपकते ही कहोगे एक आठ तो दूसरी भी आठ तीसरी भी आठ चौथी भी आठ या तो आप चारों को आपस में जोड़ लो या डायरेक्ट आठ गुणा में चार करके आप कह सकते हो कि चारों का टोटल बत्तीस होगा परंतु परंतु अच्छा अगर ये साइड अरे कहा गई हम्म लीजिए अगर ये आठ ना होकर क्वेश्चन में साइड नौ दे दी जाती कितनी नौ तब पैरीमी कितना होता अगर साइड नौ दे दी जाती तो आप क्या करते नौ चौक छत्तीस बहुत आसान सी चीज ठीक है क्योंकि चारों ही बराबर है अब अगर मैं कहूं कि मेरे भाई चारों साइडों का टोटल हिंदी में क्या कहते हैं उसे एक स्क्वायर इसकी चारों साइडों का टोटल मेरे भाई आप क्या कहोगे उसे कहते हैं पेरीमीटर परिमाप ठीक है मैं कहूं एक स्क्वायर जिसका परिमाप कितना दे दिया आपको आ ले लीजिए बीस ले लीजिए तो उसकी एक साइड बता पाओगे तो आप यार नॉर्मल सी बात है ये जो बीस है वो इन चारों का टोटल है यानी बीस अगर चार हिस्सों में बराबर बराबर बांटा जाएगा तो हर एक साइड पांच पांच निकल कर आ जाएगी और अगर साइड पांच है तो इसका स्क्वायर कर दो इसका एरिया भी आ जाएगा यह तो बहुत नन्नी मुन्नी बात सभी को बताऊंगी अब हम एक क्वेश्चन पर आ जाते हैं लीजिए जबकि इस क्वेश्चन में ना इस चीजों की कोई जरूरत नहीं है बट बता इसलिए रहा हूं आपको नॉलेज होनी चाहिए ठीक है नॉलेज के हिसाब से मैं चीजें बताते चल रहा हूं बट यहां इन सभी चीजों का ऐसा कोई रोल नहीं है ठीक है देखिए बट फिर भी एक क्वेश्चन बेसिक से बताना था मुझे क्वेश्चन में कहा गया है पहले वाले स्क्वायर का पेरीमीटर 24 है साथ ही साथ एक दूसरा स्क्वायर इसका पेरीमीटर कितना है मेरे भाई बत्तीस है और क्वेश्चन कह रहा है इसका एरिया और इसका एरिया जब टोटल किया जाए तो एक चौथा स्क्वायर बन रहा होगा एक चौथा स्क्वायर बन रहा होगा जो ये चौथा स्क्वायर जिसका एरिया इन दोनों के टोटल के बराबर है इसकी मेरे भाई साइड क्या होगी तो आप आप जो जो करोगे जो आप करने वाले वो क्या करोगे जो बचपन से आपको पढ़ाया गया है आप सबसे पहले इसका एरिया निकालोगे क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई दैरिमीटर ऑफ टू स्क्वायर दे रखा था पैरिमीटर ऑफ थर्ड इक्वल

64 प्लस छत्तीस इसका एरिया हो जाएगा 100 परंतु उसने एरिया नहीं पूछा इसका पेरीमीटर पूछा है तो भैया अगर मुझे पेरीमीटर यानी परिमाप चाहिए तो इसकी एक साइड चाहिए क्योंकि भाई एक साइड पता है तो चार की गुणा कर दूंगा तो मुझे पता है कि एरिया निकाला गया था स्क्वायर करके अगर साइड चाहिए तो रूट करना पड़ेगा जिससे एक साइड आ जाएगी सिंपल एरिया तो इसका स्क्वायर और अगर साइड चाहिए तो एरिया का वर्गमूल रूट कर देते हैं एक साइड दस है तो चारों साइड होगा टोटल चार गुना में दस चालीस और यही हमारा उत्तर आ जाएगा पर यह बहुत लंबी फिल्म बन गई मुझे ये फिल्म अच्छी नहीं लगी क्योंकि अभी तो ठीक है कि आसान आसान सी वैल्यू थी टोटल करा सौ आ गया और चीजें आसान हो गई हम इसके लिए ना कुछ और उपाय निकालते हैं देखिए बहुत प्यारा सा उपाय निकालूंगा आपको ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बट एक क्वेश्चन को समझा देता हूँ अब देखिए जब भी ऐसी कोई बात कह दी जाए कि दो स्क्वायर का एरिया जब भी आपके सामने ऐसे कहा जाए दो वर्गों का एरिया का टोटल करके एक तीसरे स्क्वायर एक तीसरे वर्ग के बराबर मिल रहा है उस कंडीशन में मेरे भाई आप एक बात देखिए हमेशा याद रखेंगे इनकी साइडों में इनकी साइडों में हमेशा ट्रिपलेट लग रहा होता है जो जितने भी ट्रिपलेट पढ़ाए ना वो ट्रिपलेट हमेशा लग रहे होंगे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है अगर मैं पहले वाले के परिमाप की बात करूं 24 है तो इसकी एक साइड 400 में 24 को डिवाइड करेंगे 6 पर जाएगा दूसरे वाले का परिमाप पेरीमीटर 32 है चार से इसे डिवाइड करेंगे तो इसकी एक साइड 8 आ गई तो मैंने क्या कहा है इन तीनों की साइड में ट्रिपलेट लगेगा और सबसे बड़ा एरिया इसका है तो सबसे बड़ी साइड भी इसी की होगी और ट्रिपलेट अगर आप देख रहे हो छे आठ दस वाला यानी इसकी एक साइड दस अगर इसकी एक साइड दस है तो चारों साइड का टोटल चार गुणा में दस चालीस डायरेक्ट उत्तर हमारा आ जाएगा इतनी बड़ी महाभारत मैंने रची पर उसका कोई यूज नहीं था हम डायरेक्ट भी उत्तर दे सकते हैं वो महाभारत इसलिए थी जो आपने बचपन में पढ़ी तो यादें ताजा हो गई परंतु उन यादों का कोई फायदा नहीं है उत्तर हम डायरेक्ट दे सकते हैं समझ पाए हो अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए जल्दी से बताएंगे सही बच्चा क्या होगा इसका आंसर जल्दी से चीतो बब्बर बबर और से जल्दी से हाँ भाई बहुत गजब बहुत गजब जल्दी बिल्लू मैं फरीदाबाद ते हूँ और तू कहां है, है भैया ना दोस्ती आ रही है कहा बात है गई भैया कौन कहा को है हमें अभी बता दो हम भी अपनी रिश्तेदारी निकाल लेंगे आ जाओ देखो आप जब इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप क्या देखोगे मेरे भाई पहले वाला स्क्वायर दूसरे वाला स्क्वायर और इन दोनों से मिलकर बनेगा एक बड़े वाला स्क्वायर परंतु अभी अभी हमने समझाया कि जब भी दो स्क्वायर का एरिया एक तीसरे के बराबर होगा तो आपको कुछ नहीं करना पहले वाले का परिमाप 32 पर पेरीमीटर का मतलब है चारों का जोड़ तो एक कितना हो जाएगा चार से 32 को डिवाइड करेंगे तो आठ तो एक साइड आठ ठीक है दूसरे वाला मेरे भाई टोटल साठ पैरिमीटर है चार से डिवाइड करेंगे पंद्रह अब आपको याद होगा ट्रिपलेट होता है आठ पंद्रह सत्रह और अगर इसकी एक साइड सत्रह है तो चारों साइडों का टोटल सेवनटीन फोर जा सिक्सटी एट क्या इससे मेरे भाई आसान कुछ हो सकता है हाँ भाई मैं नारोल से हूँ है नाननोल तो एक इधर भी है हरियाणा में इधर <coughs> कौन से वाले से गोरखपुर से हूँ अच्छा एक हमारा भी मित्र इधर गोरखपुर में तो उसने जॉब थे वो बनारस का है वो बहुत अच्छा धावा है बहुत तेज दौड़ता है आजमगढ़ से कौन कौन है तुम तो यहाँ पर यहाँ ही निकाल ले तुम अपनी क्वेश्चन का आंसर बताओ बात है बिहार तक पहुंचूंगी कह रहा है बिहार से हूं हम भी बिहार आऊंगा हमको भी घूमना है वहां पर बहुत हमारा प्यार करने वाला बहुत बच्चा है वहां पर आ जाइए क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए अब तो आप समझ चुके हो वैसे आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है बट छोटी छोटी फिगर बनाने से क्या होता माइंड में क्लेरिटी आती है कि दो स्क्वायर थे और इनका टोटल एक तीसरे वाले के बराबर था तो आपको पता है ये एक का पैरीमीटर बीस है तो भैया चार से डिवाइड करेंगे तो इसकी साइड पाँच आ जाएगी दूसरे वाले का पैरीमीटर फोर्टी एट चार से डिवाइड करेंगे तो इसकी एक साइड बारह आ गई इसकी पाँच है इसकी बार है तो इसकी साइड पक्का पक्का तेरह आएगी इसकी साइड तेरह आएगी तो चारों साइडों का टोटल फिफ्टी टू आ जाएगा तो मुझे तो लगता नहीं है कि भैया अब तुम में से कोई भी बच्चा ये ना बता पाए जयपुर से राजस्थान से अरे बेटे क्या बात है इतनी मोहब्बत इतनी दूर दूर तक है लग रहा है अगर मैं थोड़े चार एक साल बाद रिटायर हो गया तो मेरे को तुम्हारी शादियों में जा जाके मैं पूरी जिंदगी निकाल सकता हूँ नहीं पहले तुम्हारी शादी की दावत फिर तुम्हारी एनिवर्सरी की दावत फिर तुम्हारे नन्ना वन्ना रह जाएगा घर में उसकी दावत नहीं तो फिर भैया दावत ही दावत होती रही जिंदगी भर बताओ क्या कह रहा है क्वेश्चन अरे कौन सा क्वेश्चन आ आगे फिर से आ गया? एक सेकंड आगे कुछ नई सीरीज आ रही हुई मुझे लग रहा है हाँ भाई नई सीरीज है ये क्वेश्चन वैसे कर रखे हैं बट इसी के ऊपर नई सीरीज है मैंने इसीलिए रखे हुए पे देखो ये तो आपको मैंने बता ही रखा है कि जब भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो ठीक है तो मेरे भाई उसकी तीनों साइडों में एक सीरीज लग रही होती है जो कि की देख यहाँ पे पांच बारह तेरह और नब्बे डिग्री के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है अगर इसका एरिया जानना है तो एरिया होगा हमेशा हाफ या तो बेस इंटू हाइट कह सकते हो बेस ये हो गया हाइट हो गई या फिर कह सकते हो नब्बे डिग्री के सामने वाली साइड को छोड़कर बची हुई दोनों का मल्टीप्लाई तो हाफ बारह इंटू पांच तो दो से छ पर छे तीस ये तो मैं वैसे पढ़ा चुका हूं पर इसका यूज अभी आगे देखने को मिलेगा अगला क्वेश्चन ठीक है ये भी हमने करा था मैंने क्या कहा था कि मेरे भाई की नब्बे डिग्री के सामने वाली साइड यानी डायगनल या फिर कर्ण या फिर हम विकर्ण या फिर हाइपनेस कुछ भी कह सकते हो तेरा देर है तो आपको इस तीस का आपको कोई यूज़ नहीं है मैंने पहले आपको बता रखा है पूरी फिल्म में यही बताया आप सीधा क्या कहोगे ये पाँच है ये बारह है और सीधा आपको क्या चाहिए इसकी लंबाई ए सबसे छोटी की लंबाई तो पाँच हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ अब ये चीज़ें यहाँ जाकर ख़त्म होंगी अच्छा यहाँ पर कि भैया एक साइड छब्बीस है तो आपको थोड़ी देर पहले बताया था ये छब्बीस है तो दस और चौबीस होगी ठीक है आपसे एरिया पूछा गया था तो हाफ इन दोनों साइडों का मल्टीप्लाई चौबीस गुणा में दस ठीक है यानी दो से, से काटोगे बारह में बारह गुणा में दस एक सौ बीस ये तो वो क्वेश्चन है जो शुरू में करवाई चुका हूं अब हमारे पास नई सीरीज आ चुकी है ये ना इस बार न्यू क्वेश्चन आ रहे हैं ना आप सर्च करोगे तो अभी ये पिछले दो तीन साल में जो क्वेश्चन आए सा वो सारे न्यू क्वेश्चन है अभी हाँ भाई खिलाड़ियों बताओ जरूर मेरे भाई जिम्बावे से कौन सो भैया जिम्बावे को जिम्बावे में एक टाइम पर छे सौ रुपए किलो छे सौ रुपये का एक लीटर दूध आया करता था वहां पर क्या हुआ मतलब जितनी मतलब इतनी तगड़ी नहीं है मेरी पर जितनी है उसके हिसाब से उन्होंने क्या करा उन्होंने सोचा भाई साहब कि जैसे तुम सोचते होंगे कभी तुम्हारे दिमाग में ये बात आई है कि नहीं आई एक बात बताओ कि यार एक बात बताओ जब मशीन हमारे पास है भाई नोट छापने की मशीन हमारे पास आती होगी वैसे बात जब हमारे पास नोट छापने की मशीन है ना तो साला देश में नोट छपवा छपवा के बटवाई दो ऐसा किसी के दिल में आता है कभी यार देखा जाए तो नोट छापनी तो आज कागज ही तो लगता होगा तो नोट छपा छपा के सबके घरों पे भिजवा दो एक करोड़ सारे करोड़पति हो जाएंगे है ना ऐसा लगता ही लगता कभी है? बहुत बार बचपन से किसी ना किसी के दिमाग में एक दो बार ये बात आई जाती है मैं भी सोचा करता था छोटा सा मैंने कहा यार मशीन है मशीन से नोट के नोट छापो अब हर किसी के भाई मतलब इतना इतना पैसा हमारे तो देश इतना भर जाए पैसे पैसे पर जम्बावे ने भी ऐसी बुद्धि लगाई वो उसकी हमारी जब बच्चा होता है ना उसकी ऐसी बुद्धि थी उसकी उसका जो कोई रहा होगा उसने क्या करा इतने नोट छपवा दिए अब नोट छापने से क्या हो गया हर किसी के पास ना इतना, इतना इतना पैसा था कि ना रोड पे जैसे पैसा पड़ा है ना यहाँ पे कि दस हजार का नोट पड़ा है दो दस हजार के एक एक लाख के नोट थे दो दो लाख के दस हजार का नोट पड़ाए दस हजार का नोट पड़ा है इतना तो मेरे घर में पड़ा है और इतनी महंगाई आ गई ये समझ लो शायद जो मैंने लास्ट में जब मैं छोटा था जब सुना था तीन तीन चार चार हजार रुपये किलो दूध वगैरह अब हुआ क्या जिस वजह से बहुत महंगाई बढ़ गई उस देश में और सभी जहां अमीर बनने के सोच रहे थे ओवरऑल उनकी इकोनॉमी डाउन हो गई हर चीज बहुत तेजी से अमीर भाई सब पे पैसा था तो ले भाई ये दस दस हजार रुपये का ये दे वो दे और उसी चक्कर में महंगाई भी बढ़ गई वना सारा सिस्टम उनका गड़बड़ा गया क्योंकि सारी चीज है ना सिर्फ देश को देख के नहीं पूरे वर्ल्ड को देख कर चलती है ना वर्ल्ड में तो पर वो चीज का प्राइस उतना है नहीं देखो इस क्वेश्चन को देखोगे तो देखिए देखिए आपको क्या बताया गया इसमें ना बहुत गहराई की चीजें बताया है, जिनको पढ़कर अक्सर बच्चा पागल हो सकता है जैसे एक चीज यहां पर दे रखी है कि उसकी जो साइड है ना बची हुई दो साइड है एक साइड तो थर्टी नाइन ना है तो हमने वो लिख दी मेरे भाई हाइपोटन स्टार्टिंग लाइन है बची हुई दोनों साइडों के बीच में 21 का अंतर है पर मेरे भाई तुम एक अलग तरीके के बच्चे हो तो तुम्हें पता है भैया तू 21 कहाँ आ गया खेल में ये जरूरत ही नहीं है क्यों हमें चाहिए क्या एरिया और हमें पता है अगर ये थर्टी नाइन है तो ये पंद्रह होगा और ये छत्तीस पता है क्यों होगा ये पंद्रह है छत्तीस है तो एरिया क्या हो जाएगा हाफ नब्बे के सामने वाली साइड को छोड़कर बची हुई दोनों साइडों का मल्टीप्लाई छत्तीस मल्टीप्लाई फिफ्टीन या फिर बेस इंटू हाइट हाइट यानी से इसे काटिए अठारह पे अठारह और पंद्रह की मल्टीप्लाई आपको कितना दो सौ सत्तर जीरो हाँ दो सौ सत्तर और यह आ गया इसका एरिया यही हमें चाहिए था पर कुछ बच्चों के दिमाग में यह बात आएगी कि सर ये पंद्रह और छत्तीस कहा से आया हाँ भाई ये बात समझ आई कि नहीं आई ये पंद्रह और ये छत्तीस कहां से आया देखिए मैं बताता हूं ये पंद्रह और छत्तीस एक प्यारी सी फिर बात और बताऊंगा पर पांच छे क्वेश्चन बाद आपको याद होगा थर्टी नाइन तेरह के पहाड़े में आता है ठीक है तो आपको याद आ गया यार एक ऐसी सीरीज जिसमें तेरह आता है वो है पांच बारह तेरह ये तेरह से तीन गुना है तो एक्चुअल में अगर ये थर्टी नाइन है तो उस कंडीशन में ये पांच ना होकर इसका तीन गुना पंद्रह होगा और ये बारह ना होकर इसका तीन गुना छत्तीस इसीलिए ये छत्तीस और ये पंद्रह यूज किया गया था ओके मेरे भाई क्या नाम था बच्चे का कह रहा है सर जी मेरा नाम लीजिए मैंने देखो एक बात कही थी एक दिन कि भाई साहब तुम अपना सिलेक्शन लो तुम्हारे तुम्हारे नाम की माला पहनूंगा मैं छोटी 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 बनवा ले सुबह सुबह भाई रामू श्यामू ठीक है दलबीर ये वो राजू सबको जिस जिसके नाम लिखवाने सबके लिखवा लूंगा ठीक है आ जाओ बताओ इस क्वेश्चन का आंसर सेम क्वेश्चन है हाँ भाई यह क्वेश्चन है लाजवाब गजब क्वेश्चन गजब अच्छा एक चीज और पिछले क्वेश्चन में देखो आपको क्वेश्चन में यह भी दिया गया है कि भाई इन दोनों साइडों का अंतर 21 एक है एक्चुअल में है भी 21 जबकि इसका रोल नहीं है बट मैं सिर्फ आपको एक कंफर्मेशन के लिए आ जाओ जिससे आपको एक सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ हम सही जा रहे हैं बताओ अरे सारा करा दूंगा बस तुम्हें आज एंड तक बने रहना है ठीक है देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है वही एक समकोण त्रिभुज है पर उसकी जो साइड है राइट एंगल ट्राइंगल की सभी साइड क्या है मेरे भाई consecutive. Consecutive होती है, लगातार अब आप यूं सोचोगे यार लगातार है अब तुम तो भैया यू जाओगे यार अब कैसे किया जाए साला कोई साइड ही नहीं पता है और हमसे कह दिया लगातार नहीं तभी आपके दिमाग में आया अरे भाई एक ट्रिपलेट होता तो है तीन चार पांच इसी की साइडें सिर्फ लगातार होती हैं और किसी की अगर राइट एंगल है तो एक ही ट्रिप्लेट है जो तीन चार पांच जो लगातार है तो एरिया क्या हो जाएगा हाफ इसे छोड़कर जो सबसे बड़ी होती है दोनों साइडों का मल्टीप्लाई हाफ थ्री इंटू फोर टू से टू पर थ्री इंटू टू सिक्स ये उत्तर आ गया बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन है तो मेरे भाई चुटकियों में हो रहे हल सवाल हैं तुम टेंशन ले रहे हो कह रहा है अबे लगातार लगातार का मतलब लग समझ रहे हो लगातार एक के बाद एक ठीक है अगला क्वेश्चन आ जाओ बताओ इसका आंसर क्या हुआ मेरे बुलंद शहर भी आएंगे जहां तुम बुला लोगे तुम जब जब शादी करो जब जब जहां जहां दावत तो दाह बुलाओ भैया सब जगह हम तो आने को तैयार है नहीं आ जाओ मेरे भाई जो बुक है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप पर मिल जाएगा जो बुक है अभी मत पहुंच जाना बुक लेने ठीक है बुक है उसका सॉल्यूशन भी आपको मेरे भाई कहाँ मिल जाएगा ऐप पर मिल जाएगा और उसके लिए भी मोहब्बत क्या न थैंक यू कि भाई दो तीन दिन से लगातार पहले अमेजोन पे फिर फ्लिपकार्ट सबसे ज़्यादा बिक मतलब बिकने वाली और सबसे ज़्यादा प्यार मिला है इतने कम टाइम में इतनी तेज़ी से मतलब सभी बच्चों ने बुक पर मतलब मोहब्बत दिखाई है उसके लिए थैंक यू ठीक है देखिए इस क्वेश्चन की अगर बात करूं तो ये क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है देखते हैं क्या कह रहा है अच्छा नहीं ये चीज अलग है बट इस इसी तरह का एक क्वेश्चन और भी है यार ये वाला। पहले ये करेंगे, फिर मैं इस पे आ जाऊंगा पहले ये कर लो ठीक है जल्दी बताओ क्या कह रहा है जल्दी से देखो क्वेश्चन कह रहा है इस बार जो तीनों साइडें हैं उसमें से एक एक्स माइनस टू है ठीक है एक एक्स है और एक एक्स प्लस टू है अब आप एक बात बताइए अगर मैं तीन चार पांच की बात करूं तो यहां गैप है एक एक, एक का पर एक्चुअल में हमें दो दो और दो का गैप चाहिए भाई एक्चुअल में ये इससे दो कम है सॉरी ये इससे दो ज्यादा है ठीक है इससे दो ज्यादा ये है तो आप ऐसी वाली सीरीज देखोगे तो एक ही नजर आई छह आठ दस और ना याद आए ना तो यहाँ दो का गैप चाहिए तो दो का गैप चाहिए तो इन तीनों के साथ दो दो की मल्टीप्लाई करो तीन दूनी छ चारोनी आठ पांच दस यानी एक्चुअल में ये सीरीज है है पूछा क्या गया है? की की वैल्यू वैल्यू छठ आ जाएगी किसी को डाउट कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब इस क्वेश्चन पर आ जाओ फिर इस क्वेश्चन पर अभी आ रहे हैं बस ध्यान से याद रखना इस क्वेश्चन कौन सा चौबीस मुझे याद दिला देना है ना इस क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी से सर लंडन आलिया मैं अरे भाई लंदन का है आ जाओ एक टफ सा क्वेश्चन आया जब एक बहुत प्यारी सी कहानी सुनाऊंगा बचपन की पिताजी ने एक बार बहुत पीटा था भाई मेरे को बताऊंगा क्यों पीटा था ठीक है भैया दो पिटे तो तुम भी सारे होंगे नहीं ऐसे थोड़ी भैया भारत देश के लौंडे पिट पिट के ही मजबूत बने हैं नहीं ऐसे थोड़ी चौड़ी छाती वीरों की भी हो रही है हाँ है तो भाई साहब तो पिटे तो तुम सारे भी होंगे पर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा अभी पर क्वेश्चन पर दो क्वेश्चन क्या थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर ऑफ लेंथ पंद्रह बीस पच्चीस तीन साइड है एक ट्रायंगल की क्या क्या पंद्रह बीस और पच्चीस ठीक है फाइंड द कोस्ट ऑफ फील्ड एट द रेट ऑफ फाइव रुपीज पर स्क्टर की और एक बात अगर तीनों एक ट्रिप्लेट है, तो पका -पका राइट यानी इस तरह की सेप का ये एक एरिया है अब सबसे पहले अगर मैं ये देखना चाहूं इस पूरी पूरी जगह का एरिया क्या है तो हाफ इसके सामने वाली साइड छोड़ के इन दोनों का मल्टीप्लाई बीस गुणा में पंद्रह दो से इसे काट दो दस पर

क्वेश्चन करा था रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज अब दो ट्राइंगल हैं जिनके एरिया का रेशो दे रखा है ट्राइंगल वन एरिया ऑफ ट्राइंगल वन एरिया ऑफ ट्राइंगल टू इन दोनों के एरिया का रेशो दे रखा है फोर अपॉन में थ्री यही दे रखा है ठीक है इनके हाइटों का रेशो भी दे रखा है थ्री अब आप एक बात बताइए एरिया होता क्या हाफ बेस हाइट तो बी वन और हाफ़ दूसरे वाले का एरिया हो जाए बी टू इंटू एच टू और जो की कितना देर का फोर बाय थ्री ठीक है अगर मैं इनकी हाइट का रेशो देखूं तो हाइट का रेशो फोर तो मेरे भाई हाइट का रेशो क्या आ जाएगा थ्री रेशो फोर तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख देते हैं ये थ्री है तो ये फोर है अब आप एक बात समझिए कुछ कट रहा है तो भैया हाफ से हाफ कट रहा है बिल्कुल काट दिया और मेरे भाई अगर आपको पता है जब भी हम जगह इधर से उधर शिफ्ट हो रहे होते हैं तो चार नीचे है तो ये ऊपर जाके

मतलब कुछ ऐसे काम चल रहा है सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, भी नहीं है। रेल्वे की, रेल्वे की, की से बुक निकलेंगी जैसे उनकी प्रॉपर उस एग्जाम की तो अभी थोड़े दिन, दिन में आपके सामने आते रहेंगे अब आ जाओ मेरे इन क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है बहुत मजेदार क्वेश्चन बहुत मजा आएगा मेरे भाई क्या आएगा आपको इन क्वेश्चन में भी बहुत ज्यादा मजा अब आप अच्छा आप बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकते हो सबसे पहली बात जब आप इस नाम को पढ़ते हो ना आइसोसलेस ट्राइंगल सम त्रिभुज ठीक है तो आपके ना एक जब इसका फॉर्मूला आपके जहन में आएगा तो भाई साहब <coughs> आप ये बता रहा हूं मैं आपको उस फॉर्मूले को ना आप कभी याद ही नहीं रह सकते इतना तगड़ा फॉर्मूला है आइसोसलेस एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने का कि आप कभी भी इसका एरिया निकाल ही नहीं पाओगे <coughs> तुम ऐसे किसी को याद है बताओ हाँ भाई मैथ के क्लास नोट्स में तो टाइम लेगा क्योंकि यार एक बच्चा उसको लिख रहा है ना अच्छे हाथों से ठीक है बताओ बताओ जल्दी बताओ इसका फॉर्मूला किसी को याद है आइसोसलेस एंगल ट्राएंगल का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल का था हाव बेस इन टू हाइट तो इसका किसी को फॉर्मूला पता है देखिए नकल मार के आप उसमें से ऐसे ऐसे, ऐसे बता दो तो देखिए होता क्या है इसका फॉर्मूला ना इस तरह का फॉर्मला है कि आप उसको याद भी करोगे तो ही भूल जाओगे तो आप कहोगे सर जब मुझे फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो मैं आंसर दे सकता हूं बिल्कुल आपको फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है फॉमलो की कोनो दिक्कत नहीं बाबू कोनो जरूरत नहीं क्यों नहीं है क्योंकि हम यहां खड़े हैं ना आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा देखिए कभी भी आपके सामने आइसो ट्रायंगल पहले समझना होगा आइसोसलेस ट्राइंगल समय त्रिभुज होता गया तो मैं पहले समझा देता हूं लीजिए आइसोसले ट्राइंगल के बारे में जान लेते हैं होता क्या है? थोड़ा सा जान लेते हैं सम त्रिभुज है ना देखिए आइसोसलेस ट्राइंगल का मतलब है पहली बात तो ट्राइंगल का मतलब यह होता है तीन साइड वाली फिगर पर इसे आइसोसलेस क्यों कहा गया सम दू बाहू क्यों कहा गया तो देखिए हिंदी से तो पता लग रहा है सम यानी एक जैसी दो भुजाएं ठीक है तो आइसोसलेस का मतलब होता है एक जैसी दो साइड वाली कोई फिगर यानी इसकी ना ये साइडें बराबर होती है एक बेस होता है जो कि इन दोनों से अलग होता है यानी कि आइसोसुलेंगल की दो साइडें आमने सामने वाली बराबर होती हैं अगर मैं कहूं कि मेरे भाई ये ए है तो ये ए है और एक बात और याद रखना अगर इसके सामने वाला एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला एंगल भी थीटा होगा आपको सर थीटा क्यों मतलब कहने का यह है कि भाई साहब अगर इसके सामने वाला एंगल तीस डिग्री है तो इसके सामने वाला भी तीस होगा क्योंकि सेम अगर लंबाई दोनों की बराबर है तो इनके सामने वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं ठीक है इतनी बात गए ठीक है अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए बहुत प्यारी सी बात पूछता हूं मैं आपसे एक बात बताओ यार ये वाला एंगल 30 डिग्री का है ये वाला एंगल 30 डिग्री का है ठीक है ओके अब अगर मैं यहां पर इस सामने वाली साइड से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं बहुत गौर से बताया ना अगर मैं इस सामने वाली साइड से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं तो आप क्या कहोगे ये कितने डिग्री का हो गया नब्बे डिग्री का ठीक है ओके और इधर भी ये कितने का हो गया नब्बे का अब आप एक चीज बताओ ये नब्बे का है ये तीस का तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई तो आप कहोगे सर ये साठ का आ गया इसी तरह से ये तीस ये नब्बे तो ये भी साठ तो आप क्या देख रहे हो यहां से कि साठ के सामने वाली साइड ये और इस साठ के सामने वाली साइड ये भी आपस में बराबर हो जाएगी या फिर इतना सा याद रखिए कि मतलब ये ना इसके लिए आप सिमिलैरिटी वाला रूल लगाओगे तो वहां से आपके सामने बराबर आ जाएगी कैसे आ जाएगी देखिए आप देखोगे भैया तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है ठीक है और ये वाली साइड तो दोनों में बराबर है ही तो फिर ये वाली और ये वाली भी बराबर होगी ठीक है या फिर आप ऐसे देख लीजिए जैसे मैं कह दू कि ऐसे समझो और ज्यादा अच्छे तरह से समझ पाओगे जैसे मैंने कहा कि मेरे भाई ये आपकी साइड है दस ठीक है और ये आपकी साइड है ठीक है तो आप क्या कहोगे कि ये दस है तो ये भी दस है बात सही है क्योंकि मेरे भाई आसोस ट्राइंगल है ये छह है, तो है ये दस है तो ये आठ होगी ये आठ है ये दस है तो ये छह निकल कर आएगी बात ठीक है ही ठीक है मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि अगर किसी भी आइसोसलैश ट्राइंगल में आप इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ जितना बता रहा हूं उतना याद रखना किसी भी आइसो ट्राइंगल में जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं तो इन दोनों जो इक्वल साइड के अलावा साइड के सामने वाले कोने से इस तीसरी साइड के सामने वाले कोने से इस पर अगर नब्बे डिग्री का एंगल डाला जाए तो मेरे भाई जो ये पूरी साइड अगर 12 मीटर की है तो यह जो एंगल डाला गया यह जहां पर आके मिल रहा है यह पॉइंट इस पूरी बारह को दो हिस्सों में बांटने की ताकत रखता है और वो भी बराबर बराबर यह बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं यह दोनों को बराबर बराबर बांट देगा बस यही क्वेश्चन में आपको समझाना चाह रहा था आप आंसर दे पाओगे कैसे देखिए आपको जैसे ही पता चला यह आसोसलिस्ट एंगल है जिसकी दो साइडें पांच और पांच हैं और एक तीसरी साइड जो दोनों से अलग है तो इसके बारे में हमने इतना जाना है कि अगर इसके सामने वाले कोने से वर्टेक्स से अगर इसके ऊपर नब्बे डिग्री का एंगल डाला जाएगा तो मेरे भाई ये छः जो है तीन और तीन दो बराबर हिस्सों में बट जाएगा अब यहां से आपके सामने देखिए क्या निकल कर आएगा आप कहोगे कि देखिए अगर ये तीन है ये पांच है तो अगर आप इतने हिस्से पर ध्यान दे रहे हो सिर्फ इतने हिस्से पर देखिए आपको व्हाइट से बताता हूं सिर्फ इतने हिस्से पर तो आप क्या कहोगे कि सर देखिए ये तीन है ये पांच है तो ये साइड चार होगी इधर से भी ये तीन है ये पांच है तो ये चार होगी यानी कि चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अगर आपको किसी भी चीज का एरिया चाहिए तो एरिया हमेशा होता है हाफ बेस इनटू हाइट बेस कौन सा तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इस तरह तो इसका एरिया क्या था हाफ अगर ये नब्बे डिग्री का एंगल है तो एरिया होता है हाफ बेस अगर मैं इसे बेस ले रहा हूं तो इस बेस पर अगर मैं इसे बेस यूज कर रहा हूं तो इस बेस पर इसके सामने वाले कोने से जो 90 डिग्री का एंगल डाला जा रहा है जिस लाइन के द्वारा यानी उसी को हाइट ले लिया जाता है यानी हाफ बेस इनटू हाइट ठीक है इसी तरह से अगर मैं इसे बेस ले रहा हूं यानी कि अगर मैं कहूं हाफ बेस क्या है 6 तो इस कंडीशन में हाइट क्या होगी इसके इस साइड के सामने वाले कोने से इस पर जिस लाइन के द्वारा नब्बे डिग्री का एंगल डाला जा रहा है उसकी मेरे भाई ऊंचाई कितनी है चार तो यह हमारे लिए हाइट का रूप ले लेती है सिंपल अगर इसके ऊपर कोई एल्टीट्यूड डाला गया है तो यह बेस है तो एल्टीट्यूड हाइट होती है ठीक है तो हाफ बेस यानी छ हाइट कितनी है मेरे भाई चार तो दो से तीन पर तीन चौक बारह पर आप कहोगे सर ये तो बहुत लेंथी सा लग रहा है कुछ और इजी बताओ तो सिंपल हमें पता है एरिया क्या होगा हाफ बेस बेस का हाफ कितना है तीन सिंपल दिमाग में भैया पूरे बेस का आधा कितना है तीन गुणा में हाइट चार उत्तर डायरेक्ट बारह यह हमारा उत्तर आ जाएगा अगले क्वेश्चन को देखते हैं और चीजें क्लियर हो पाएंगी अगले क्वेश्चन को देखते हैं अगर कोई मेरे भाई अगर यहां बैठा हो टीम का तो सामने वाली इसके स्क्रीन के एक बार लाइव चैट बंद होगी इस क्वेश्चन को करो एक बार ना लाइव चैट बंद होगी चलाना सामने वाले की देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे इफ द लेंथ ऑफ ऑफ साइड्स एन अगर किसी आइसो ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं तो इस आइसो ट्राइंगल की सामने वाली उसकी है ना वो बंद हो गया तो आप क्या देखोगे जैसा मैंने बताया है जो दो दो बराबर बराबर जो दो साइड है उनके अलावा एक तीसरी साइड है जो कितनी है 24 सेंटीमीटर तो वो हो गया हमारा बेस अब हमें पता है कि अगर इस बेस के सामने वाले यानी इस कोने से इस वर्टेक्स से इस पर 90 डिग्री का एंगल डाला जाएगा तो ये जो यहां पर टच हुई लाइन ये क्या करेगी <coughs> इस 24 को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देगी ठीक है अब आपको पता है ये 12 है ये 20 है तो ये 16 आ जाएगा ट्रिपलेट होता है बारह सोलह बीस इतना पता है ना नहीं तो तीन चार पांच वाली सीरीज के साथ ट्राई कर लेना कि भैया ये पांच से चार गुना आया था तो चार का चार गुना सोलह ठीक है अब आपको पता है एरिया क्या होता है हाफ बेस बेस का आधा बारह मल्टीप्लाई हाइट यानी सोलह बारह चिक बहत्तर का दो हासिल सात बारह सात उन्नीस 19, वन नाइनटी टू हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है क्या हो गया हाँ भाई आ जाओ अब आप एक चीज़ देखिए अरे पापा से कहो कि भैया पढ़ाई कर रहा हूँ पापा क्यों डांटेंगे उनको दिखा दो ना कि पढ़ाई कर रहे हो ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं पढ़ाई से बढ़कर कुछ थोड़ी हो तो खुश होंगे ऐसे कैसे हो सकता है पापा डांट देंगे पापा तो यहीं और गए हैं तुम कुछ और कर रहे हो तो भाई साहब डांट पड़ेगी भी पिताजी इतने भी वो नहीं होते पापा तो हमेशा चाहते हैं मेरा बेटा पढ़ाई करे कह रहे हैं मेरे पापा डांट रहे पढ़ाई करने दे यूँ नहीं कह रहा कि सर जी मुझे कहीं से मैसेज आ गया है वहाँ से बड़े घर से मैसेज आ गया है तो मेरे भाई आप डायरेक्ट विद कर सकते हो इस पूरे का आधा बारह गुणा में सोलह उत्तर अगला क्वेश्चन लीजिए ठीक है अच्छा तुम यूं कह रहे हो सर जी वाली अच्छा मेरे पापा डांट रहे तुम्हारा नाम क्यों नहीं ले रहे अच्छा <laughs> पहले पापा से कहो कि पापा मुझे मुर्गा बना दो तभी सर मेरा नाम लेंगे कि सर बेचारे को मुर्गा तोड़ाओ ना क्या नाम है नाम ऊपर चलेगा नाम इन बड़ा लड़के लड़केगा बेचारा बेचारा मुर्गा रहा है अभी रुक जाओ देख लेते हैं सर जी खतरनाक ट्रिक पढ़ा रहे हो लव यू थैंक यू मेरे भाई अरे कहा भाग गया डांट वाले भाई साहब ऊपर चला गया अच्छा पिताजी ने पीटा तो वो बताता हूँ बताता हूँ इस, इस वाली एक सीरीज को करके फिर रोमबस पे आएंगे ना उससे पहले ठीक है आ जाओ अरे नाम नहीं पड़ा भाई सोरी उसके लिए तो बाद में पढ़ के बताता हूँ तो अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन फिर से कह रहा है एक मेरे भाई आई सोशले ट्राइंगल है

खींचा गया लंब आठ सेंटीमीटर है देखिए जो ये बेस है बेस यानी जो दोनों साइड इक्वल है इनके अलावा जो तीसरी साइड होती है उस पर एक एल्टीट्यूड डाला गया जिसकी ऊंचाई आठ थी ठीक है इट्स पैरिमीटर इज चौसठ सेंटीमीटर उसका परिमाप जो है परिमाप समझ रहे हो ना इसकी इस वाली साइड इस वाली साइड और इस पूरी साइड का टोटल सिक्सटी सेंटीमीटर है द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज अब आप एक बात समझिए आपके दिमाग में क्या आएगा आप कहोगे सर ये आठ है नब्बे डिग्री का एंगल है यहां भी नब्बे तो आप क्या कहोगे सर ये आठ है तो ये छे दस होना चाहिए हाँ भाई ऐसा किस किस को लगता है कि ये आठ है, ये है यह है तो ये दस होगा किस किस को जल्दी जल्दी बता देना ये आठ है ये छे है तो ये दस होगा ऐसा किस किस को लगता है बहुतों को लगता होगा पर एक पल के बाद आपको लगेगा आप तो गलत जा रहे हो क्यों जा रहे हो देखिए आपको परिमाप के बारे में पता है परिमाप पेरीमीटर यानी तीनों साइडों का टोटल एक साइड दस दूसरी दस दस और दस बीस और बारह बत्तीस आपको अरे बाबा, ये क्या हुआ ये तो पेरीमीटर बत्तीस हो रहा है जबकि पेरीमीटर बत्तीस नहीं है यानी कि ये जो साइडें हैं हमने गलत ले ली हैं। अब आप कहोगे फिर सर जी क्या किया जाए अरे भाई साहब एक और ट्रिपलेट होता है, आठ पंद्रह सत्रह शायद ये रहा हो चेक करके देख लेते हैं ये भी सत्रह क्योंकि भाई ऐसे ऐसा ट्राइंगल है और ये पंद्रह चेक कर लो देखो ये पूरी तीस सत्रह सत्रह चौतीस चौतीस और तीस चौसठ और मेरे भाई पैरामीटर उसने परिमाप चौसठ ही दे रखा है सिक्सटी फोर अब मेरे भाई हम बिल्कुल सही जा रहे हैं बस अब आंसर आ जाएगा एरिया होता क्या है हाफ बेस यानी पंद्रह अट्ठे एक बीस। ये हमारा उत्तर आ चुका है जितने भी न्यू टाइप के बन दो एक सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन बहुत मेहनत से इस तरह का कंटेंट बनाया जाता है राजन सर बुक का नाम क्या है मेरे भाई देखिए बुक का नाम कुछ नहीं है सिंपल आप अगर आ, नीचे लिंक डालोगे या राहुल देसवाल मेरा नाम डाल दो राहुल देसवाल मैथ्स तो आपको बुक मिल जाएगी राहुल देसवाल मैथ्स या फिर आप सिंपल नीचे लिंक पड़ा है किसे बोल दो राहुल देसाल सर की मैथ की बुक ठीक है मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन पड़ा या फिर अमेजोन और फ्लिपकार्ट और दो तीन दिनों में सभी दुकानों पर ही पहुंच जाएगी बताओ भाई इसका आंसर ओके ओके मेरे भाई भी नहीं ठीक है आ जाओ देखो बहुत लाजवाब सा सुंदर सा क्वेश्चन है बताओ आंसर बताओ हाँ भाई वो बच्चा कहाँ गया जिसके पिताजी डांट मारे थे कर कर बबर शेर हो दुकान में यार दो से तीन दिन लग जाएंगे क्या है कि हमने क्या करा बहुत सारी बुके तो छवाई थी पर होता नहीं इच्छा के अनुसार छवाई थी अब हुआ क्या पहले दिन उतनी बिक गई सारी एमेजोन पे और फ्लिपकार्ट अब वो हम सोच रहे थे अगले दिन दुकान पर भेज जाए अमेजोन फ्लिपकार्ट बिक गई और उसके बाद उस पर इतनी और बुकिंग आ गई कि कल से धड़ल्ले से मशीन चला रही है तो मैं दिखाता हूँ वहां पे ऑफिस जाऊंगा जहां पे हमने पूरा पूरा गोदाम है जहाँ पे बो के छपरी है ठीक है वो भाई साहब फिर सर जी गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है भाई साहब गर्लफ्रेंड का नहीं आ रहा तुम्हारे दुखों का फोन आ रहा है मतलब गर्लफ्रेंड दुख नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है मतलब मेरी गर्लफ्रेंड है नहीं बट फिर भी, भी क्योंकि देखो कभी तो मतलब ऐसा होता है ना कि बट होता क्या है गर्लफ्रेंड बनानी है तो पढ़ाई को बनाओ बॉयफ्रेंड भी पढ़ाई को बनाओ ये तुम्हें सक्सेस दिलाएगा जितना तुम इस पढ़ाई से मोहब्बत करोगे उतनी तुम्हें ना वापस बदले में बहुत कुछ मिलेगा जितना आप इसको टाइम दोगे उतना ये टाइम देगी तुम्हें तुम इसे एक साल मोहब्बत करोगे ये पूरी जिंदगी बना देगी तुम्हारी ठीक है उसके बाद फिर गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड खेलना बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेलना जो मर्जी हो वो खेलना फिर तो जिंदगी तुम्हारी है भाई साहब कोई यूं थोड़ी है रोकथाम है कि प्यार करना पाप है पर पहले कुछ बन जाओ देखिए नहीं तो क्या होगा कि सर जी आज मैं दावत खा के आ रहा हूं <laughs> अपनी वाले के पे फिर एक साल बाद सर जी उसका बेटा तुम्हें मामा मामा मा, कह रहा था बहुत दुख हुआ इधर आओ देखो क्वेश्चन कह रहा था पैरिमीटर ऑफ एन आइसोसले ट्राइंगल इज बत्तीस एक आइसोसल ट्राइंगल है ठीक है उसका पैरिमीटर ऑफ एन आइसोसल ट्राइंगल इज बत्तीस सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स फाइव बाई सिक्स टाइम्स ऑफ द बेस वट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ठीक है क्वेश्चन के अंदर साफ साफ क्या रखा है जो बेस, है, बेस जो है मेरे भाई वो क्या है जो इक्वल साइड है नहीं 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 कह रहा है कि बेस का पांच बटे छे इक्वल साइड यानी अगर इक्वल साइड पांच पांच है तो बेस छे होगा ठीक बात है कोई दिक्कत नहीं है पर क्वेश्चन में एक बात और कही गई है अगर मैं इस तरह से चीजों को लेकर चलूं तो इनका पैरिमीटर पांच और पांच दस और सोलह निकल कर आ रहा है इनका परिमाप सोलह निकल कर आ रहा है पर क्वेश्चन कह रहा है पैरिमीटर बत्तीस है पैरिमीटर कितना है बत्तीस इस सोलह से दो गुना ज्यादा तो ये साइडें भी आपस में दो दो गुना होकर एक्चुअल साइड जो वो एक्चुअल साइड यह है दस होगी यह साइड भी मेरे भाई दस होगी और यह है बत्तीस हो जाएगी पर आप अब कैसे आगे बढ़ा जाए तो मेरे अरे बत्तीस कर उनको बारह हो जाएगी क्या बस अब आपको कुछ भी नहीं करना इसके सामने वाले कोने से वर्टेक्स टैक्स है इस पर नाइन्टी डिग्री का एंगल डालेंगे जैसे ही नब्बे डिग्री का एंगल डालेगा वो इस बारह को दो हिस्सों में छः और छः में बांट देगा अगर ये है, ये है तो आठ आएगा एरिया होता है मेरे भाई इस पूरे सॉरी इस हाफ बेस बेस का आधा छः मल्टीप्लाई हाइट यानी फोर्टी एट किस किस को आ गया समझ हाँ भाई किस किस को समझ आ गया देखिए अब मैं बताता हूँ क्या हुआ था वो कहानी बताने वाला था ठीक है पिताजी ने जो पीटा था उसकी कहानी पर उससे पहले रुको ये क्वेश्चन अच्छा स्क्वायर वाले द्वारा टाइप हो गए क्या ठीक है ये तो हमारे हो गए हैं क्वेश्चन सारे ठीक है ठीक है ये भी हो गया ये भी हो गए ये भी हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया है ये ये भी भी हो गया ये भी। मुझे लग रहा है दोबारा दोबारा दो बार टाइप कर दिया अब आ जाओ रोमबस के क्वेश्चंस पे बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन होते हैं हुआ क्या भाई एक बार हमारी पहले ना जब मैं छोटा सा था ना तब से ना मुझे दूध पीने की गंदी आदत पड़ गई थी क्यों हम जैसे रहते जब बचपन में जैसे हमारे पिताजी सब किसान परिवार थे ना तो हमने दिल्ली में ही जब मैं छोटा सा था तो उन्होंने क्या कर रखा था स्कूल था ना घर से दूर था स्कूल तो स्कूल के सामने हमारी डेरी थी दूध की डेरी ठीक है हुई थी एक हाँ।, हाँ भाई तो अब क्या हुआ उसके हमारे मतलब स्कूल के सामने डेरी थी हमारी दूध की तो उसमें एक गाय होती थी चंदा तो दादी होती थी मेरी मेरी दादी और मैं वहां पर रात में रुकता रुकता था या कभी पिताजी कोई भी रुकता था रात में तो वहां पर वो मुझे क्या गाय के थन से दूध पिलाते थे मतलब बचपन से मतलब होता नहीं ऐसे घर में कि अगर रोटी खानी है तो राहुल को रोटी चाहिए तो दूध से ही खाएगा दूध और गुड़ कि मम्मी गुड़ से रोटी दे दो और गुड़ और दूध बचपन से ऐसे थन से तो ऐसा और खाऊ मोटा सा थोड़ा है ना तो भाई साहब जैसे अब बड़े बड़े होने लगे तो एक बार पिताजी ने क्या करा कि एक व्यक्ति ग्यारह बजे मतलब ऐसा था कि सुबह सुबह बढ़ जाता है दूध पर कोई आदमी लेट हो गया तो हमने दुकान भी खोली जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे व्यापार बढ़ा बिजनेस बढ़ा थोड़ा सा तो भाई साहब मेरे को छोड़ गए कि राहुल ऐसा है कोई आदमी आएगा ग्यारह बजे दूध लेने आएगा आज वो लेट हो गया अब उसमें क्या था उसमें दूध रखा था दो लीटर ठीक है अब भाई साहब पिताजी चले गए अब भाई वो बंदा ग्यारह बजे भी ना आए और मुझे बिठा रहेगा और सुबह इसका मैं जा रखा था मतलब छोटे होते थे दुकान उकानों पे चले जाते हैं ठीक है मैं सुबह का बैठा बैठा मुझे ही भूख लग रही और दूध का तो भाई मैं चटोरा और दूध वहां पे रखे रखे और मेरे भाई उस उसपे जीव लप लप आए होता नहीं तो मैं कुछ और चीज अच्छी लगती हूँ मुझे दूध अच्छा लगता हुआ लगता था अब थोड़ा सा क्या हो गया अब तो धीरे धीरे ठीक है जैसे तो भाई साहब दूध का मैं से दो लीटर में से एक लीटर एक लीटर में डाल के डब्बे में पड़ा था उसमें से एक लीटर पलटा और भाई साहब घटक गया और इसमें मिला दिया मैंने एक लीटर पानी मतलब आएगा तो उसे कौन सा पता लग रहा है तो इस दो लीटर में एक लीटर पी के एक लीटर मिला दिया पानी और फिर बढ़ा दिया दो लीटर तो ऐसा भाई साहब अब पिता जी आए उन्हें ना ऐसा लगता था कि यार अभी तक अगर दूध वाला वो ना बहुत देर तक नहीं आया साढ़े बजे तक तो उन्हें यूं यूं यू लगा कि यार दूध फटना गया हो उन्होंने देखा तो उन वो क्या था कि ना उनको ना दूध का ना कि गाढ़ा है कैसा है बचपन दूध का ही काम तरह उनकी जवानी निकल गई उन्होंने उंगली डाल के ना ये पता लगा दिया नाखून पे रखते भाई तो मिल गया और भाई जो मुझे तोड़ा। पहले तो पूछा हाँ भाई तूने तो इसमें दूध पी लिया है, है? पिया कि नहीं पिया उन्होंने कही मैंने नहीं पिया दूध कह रहे सारे झूठ बोल रहा है तो बहुत मैं घर में सबसे बड़ा हूं ना तो बहुत अब बहुत मतलब इतने तो नहीं बेटा पर हाँ दो तीन घुसरने से हाँ कोच में देखे साले झूठ बोल रहा है हाँ पिया था मैं क्या भैया दूध में पानी ज्यादा हम तो लाना पता लग जाता है आ जाओ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है अब इस पर आते हैं ये तो चलो कहानी है बचपन की भैया सबके जीवन में घटी होती है सब पिटे होते हैं, पित हैं पिताजी से तो क्वेश्चन कह रहा है एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा विकर्ण है देखिए क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी कठिन क्वेश्चन नहीं है पर के बारे में हमें पता होना चाहिए रोमबस क्या है कमेंट तो पढ़ी लू कमेंट में क्या क्या कह रहे हो तुम्हें ओके मेरे भाई आ जाओ देखो यार। इसका आंसर देखते हैं जल्दी से क्या कह रहे रोमबस की बात करें तो पहले आपके लिए रोमबस समझा देता हूं रोमबस क्या है रोमबस और स्क्वायर, देखिए स्क्वायर और रोमबस में एक चीज कॉमन है और वो कॉमन क्या है मेरे भाई वो कॉमन चीज है कि उसकी चारों साइडें बराबर होती हैं रोमबस की भी और स्क्वायर की भी ठीक है रोमबस की भी और स्क्वायर की भी इसको हम समचतुर्भुज कहते हैं ठीक है इसे हम समचतुर्भुज कहते हैं इसे वर्क कहते हैं ठीक है परंतु अगर अभी हम रोमबस की बात कर रहे हैं तो रोमबस की इतनी बात तो पता लगी भाई इसकी चारों साइडें बराबर होती हैं पर साथ ही साथ चारों साइड बराबर होती हैं और चारों ही साइडें मेरे भाई इसकी पैरेलल भी होती हैं चारों ही साइडें इसकी पैडलल भी होती हैं ठीक है ये बात भी हमेशा ध्यान से रखूंगा अरे क्या लगा दिया यहाँ पे हाँ ठीक है चारों साइड बराबर भी होती है चारों साइड पैडल भी होती है पर जो सबसे जरूरी बात है जैसे बराबर का सही तो समझ गए तुम कि भाई अगर मैं कह दूं ये वाली साइड है तो ये भी दस ये भी दस और ये भी दस पर इससे ज्यादा जरूरी जरूरी जो जो बहुत चीज है वो अब समझाने वाला हूं अगर मैं बहुत गौर से समझना अगर मैं इसके दोनों डायगनल जैसा एक डायगनल ये वाला जिसे विकर्ण कहते हैं और एक डायगनल ये वाला अगर मैं इन दोनों को आपस में काट रहा हूं तो ये जहां कट रहे हैं ये जहां कट रहे हैं वहां नब्बे डिग्री का एंगल बन रहा होता है वहां नब्बे डिग्री पर ये आपस में एक दूसरे को काट रहे होते हैं पहली कंडीशन तो पहली बात लिख लो कॉपी में कि ये एक दूसरे को नब्बे डिग्री पर काटते हैं पहला पॉइंट कि एक दूसरे को नब्बे डिग्री पर काटते हैं बट जब मैं कराऊंगा ना तो ट्रिक से ही करा दूंगा टेन्थ वनो पर लिख लो इसके डायगनल विकर्ण एक दूसरे को नब्बे डिग्री पर काटते हैं नब्बे डिग्री पर काटते हैं ठीक है पहली बात क्लियर ओके अब दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखिए ठीक है नब्बे डिग्री पर काट रहे बात हो गई सही अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं अब दूसरी बात जो बहुत जरूरी है यार इन दोनों ने जब एक दूसरे को काटा तो होता क्या है होता यह है ये एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं आपको बराबर बराबर हिस्सों में समझ नहीं आया जैसे मैंने कह दिया की लंबाई बारह मान लो यहां से लेके यहां साफ दिख है इस पूरी की लंबाई बारह मान लो, लो, लो तो ये पूरी लाइन जो है ना जैसे ही रेखा ने इस सफेद लाइन को काटा जो सफेद लाइन जो बारह थी अब यह सिर्फ और सिर्फ जैसे ही छः छः में बट गई इसके पॉइंट ले लो ना ए ए बी बी से तक की लंबाई आप मान लो बारह है तो मेरे भाई अगर ये ऊपर कट रही है तो ये पीली लाइन इस पूरे को दो हिस्सों में बांटेगी और वो भी बराबर बराबर मुद्दा ये है ठीक है बांटा पर वो भी बराबर बराबर यानी आप कह सकते हो अगर मैं इस वाली लाइन को कह दूं ठीक है सी डी और मैं कह दूं सी डी की लंबाई मेरे भाई आप मान लीजिए सोलह है तो आपके हिसाब से ये वाइट वाली भी पक्का इस पूरी सोला को दो हिस्सों में बांटेगी जिसमें से ऊपर का हिस्सा आठ और नीचे का हिस्सा आठ यानी इस पॉइंट से नीचे का आठ इस पॉइंट से ऊपर का आठ ये बात मैं आपको समझा रहा था बिहारी बाबू जी एफ कॉल कर रही है प्रॉपर नाम बताओ और अपने पिताजी का नंबर दो जी एफ तुम्हारा फोन तक तुम्हारे पास रह जाए तो बता देना ठीक है यानी इतना मुझे इतना मुझे समझाना था कि मेरे भाई इस पूरी लाइन को सफेद वाली लाइन में 200 में बांट दिया है और सफेद वाली को पीली वाली ना 200 में बांट दिया है ठीक है और साथ में ये वाला एंगल 90 डिग्री का और 90 डिग्री का एंगल होने से क्या हमारा फायदा रहेगा हम देखेंगे तो हमें एक ट्रायंगल मिलेगा जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा यानी ये 6 है ये 8 है तो ये 10 निकल खुद ही आएगी समझ रहे हो मेरे भाई ये छे है ये आठ है तो ये दस अपने आप निकल कर आ जाएगी आ जाइए क्वेश्चन पर क्या कह रहा है लीजिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आ जाइए आ जाओ मेरे भाई हर जगह बुक पहुंच जाए हर जगह आप टाइम लो विन लो विस, विशेष कुमार हाँ भाई बताओ देखिए यार देखो बचपन में तो कच्चा दूध ही पी जाया करता था मैं जब मुझे दूध की ऐसी वो थी फिर जैसे जैसे बड़े हुए तो पता लगा भाई कच्चा दूध को नहीं पीना चाहिए बचपन होता ना एक उम्र होती है तो अब सब पच जाता था देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है <laughs> क्वेश्चन में कह रहा है एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप चालीस सेंटीमीटर है तो साथ इस, आप ही आप देखिए इसका ना एक डायरेक्ट ही बताऊंगा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा ट्रिक पहले बेसिक तरीका तो आप बेसिक तरीका कैसे बनाओगे कि भाई साहब एक रोमबस है ठीक है बना दिया हमने एक रोमबस पहले बेसिक फिर डायरेक्ट ट्रिक तो देखिए अगर आप देखोगे तो हमें पता है इसका पेरीमीटर कितना देर का है चालीस अभी अभी एक बात बताई थी कि इसकी चारों साइडें आपस में बराबर हैं तो अगर मुझे हर एक साइड निकाल ली हूं तो चालीस को चार हिस्सों में बांटूंगा और हर एक साइड दस दस सेंटीमीटर की आ जाएगी ठीक है उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है एक डाइंगल 16 है अब एक बात बताइए हमसे पूछा क्या गया है एरिया देखिए एरिया क्या होता है का एरिया होता है हाफ डी वन इंटू डी टू इसका एरिया होता है हाफ डी वन इन टू डी टू आप डी वन और डी टू इसके दोनों डायगनल दोनों विकर्ण हैं जिसमें से एक डायग्नल हमें सोलह दे रखा है पर मुझे पता है अगर मैं इसे सोलह ले लेता हूं ठीक है अगर एक डायग्नल जो मुझे सोलह दे रखा है आप मुझे बताइए अगर ये पूरा सोलह है यहां से लेके यहां तक पर अगर मैं जैसे ही इस तरह से एक डायगनल खींचूंगा तो सोलह का क्या हो जाएगा सोलह भैया दो हिस्सों में बढ़ जाएगा आठ और आठ साथ ही साथ ये जो एंगल होगा नब्बे डिग्री का हो जाएगा अब आप देखिए अगर मैं सिर्फ आपका फोकस इतने से हिस्से पर लेकर जाऊं इतने से हिस्से पर ध्यान से देखेंगे सिर्फ इतने से हिस्से पर इसका फोकस लेकर जाऊं आपका तो आप क्या कहोगे कि सर ये ना तीन साइड वाली एक ऐसी फिगर है जिसका एक एंगल नब्बे डिग्री का है अब आपको पता है एक ट्रिपलेट बनता है छ आठ दस यानी ये पक्का छ रही होगी भाई आठ है हमारे पास दस है तो ये एक तीन साइड वाली फिगर जिसकी एक साइड दस जो कि नब्बे डिग्री के सामने एक बची हुई आठ तो तीसरी पक्का छ होगी और हमें पता है ऊपर वाला हिस्सा छ तो नीचे वाला भी छे तो छे और छे, ये पूरा हिस्सा कितना आ जाएगा यानी दूसरा डाइंगल हमारा बारह आ जाएगा एरिया क्या हो जाएगा हाफ डी वन यानी पहले वाला डाइंगल सोलह था और दूसरे वाला बारह निकलकर आ चुका है बस सॉल्व कर दो, दो से मेरे भाई टू एट जाट जाइनटी सिक्स किसी को डाउट अगर समझ आ गया है? एक सेकंड थोड़ा सा मेरे वो आ जाओ भाई अच्छा समझ आ गया तो एक बार यस करके बता दो इतनी बात समझ आ गई अच्छा अब ट्रिक जानने को तैयार हो हाँ भाई बब्बर से रोर से नहीं हो ट्रिक जानने को तैयार हो ट्रिक इसकी क्या ट्रिक होगी क्या लगता है आ जाओ देखो इसकी ना एक डायरेक्ट ट्रिक है इतनी बड़ी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है डायरेक्ट ट्रिक क्या होती है देखो बहुत प्यारी सी ट्रिक होती है हमने या 96 एरिया निकाला है ना एक डायरेक्ट ट्रिक होती है देखिए क्या होती है रोमबस के जो डायगनल होते हैं उनके आधे रोमबस के जो डायगनल होते हैं उनके आधे और साइड में फिर से बोल रहा हूं रोमबस के डायगनल्स के आधे और उनकी साइड में ट्रिपलेट लग रहा होता है स्पीड बढ़ने वाली है ठीक है रोमबस के डायगनल के आधे और उसकी एक साइड में ट्रिपलेट लग रहा होता है चारों साइडों का टोटल चालीस तो एक साइड कितनी हो जाएगी चार से डिवाइड देकर दस तो एक साइड दस हो गई का आधा, एक सोलह सोलह का आधा आठ तो एक डायगनल का आधा आठ आ गया अब आप एक बात बताइए जो बात बताने वाले उसे सुनना तो इनके आधे और इसकी एक साइड में ट्रिपलेट अगर ऐसा कोई ट्रिपलेट जिसमें आठ और दस हो रहा आठ और दस हो तो आपको वो ट्रिपलेट और और है एक बात और याद रखना जो साइड होगी ना ट्रिपलेट वाली सीरीज में जो इसकी साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है यानी क्योंकि ये नब्बे के सामने होती है ठीक है तो इस केस में जो ये पहला डाइगनल है इसका आधा छ होगा जो मुझे ढूंढना था अगर इसका आधा छह है तो ये पूरा डायगनल बारह है तो भैया एक डाइगनल सोलह पता है एक बारह पता लग गया वैल्यू पुट कर दो उत्तर आ जाएगा किसको डाउट सोनू चौधरी जानू थोड़ा धीरे चलो अब क्या कह रहा है आ जाओ आगे चले ठीक है ठीक है अब लो आ जाओ देखो अब अगर आप इस क्वेश्चन पर आए इससे पहले हाँ ठीक है है ना हाँ इस क्वेश्चन पर आए तो अब आपको कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है आपको पता है जो दो हैं उनका आधा और जो उसकी साइड होगी रोमबस की उनमें ट्रिप्लेट लगेगा अब हमें क्या क्या गिवन है तो हमें एक तो पता है कि 68 चारों साइड टोटल तो एक साइड कितनी आ जाएगी 17 तो एक साइड आ गई 17 ठीक है अगर मैं पहला डायगनल क्वेश्चन में जैसा कि मुझे दिख रहा है सोलह है तो पहले का आधा आठ तो एक आठ मिल गया मुझे भाई मुझे क्या पता है इसके आधे यानी आठ और इस सत्रह और इस बची हुई साइड के आधे के बीच तो आठ पंद्रह सत्रह यही होता है ट्रिपलेट अगर किसी चीज का आधा पंद्रह है तो वो चीज क्या रही होगी यानी एक डायगनल सोलह तो दूसरा तीस है कोई फिगर की जरूरत नहीं है ठीक है एरिया क्या जो हाफ डी वन इंटू डी टू यानी हाफ डी वन यानी सोलह इंटू डी टू यानी कि तीस अगर आप काटोगे तो दो से, से काट टू एट दो ट्वेंटी फोर दो सौ चालीस किसी को डाउट मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा अरे दवाई नहीं वो ऐसा ही रूम ऐसा है ना ये बंद है तो इसमें मिट्टी ना बाहर नहीं जा पाती कोई भी इसमें वो नहीं है जैसे कि बाहर जाने का कोई भी सिस्टम नहीं है ठीक है सही लग रहा हूँ तो बाहर जाने का कोई भी सिस्टम नहीं है इसमें है ना तो क्या ये मिट्टी ना यहीं के यही पैरों से उड़ती है और यहीं के यही घुसते रहती है नाक नुक में तो इसके ऐसे इसमें मतलब हम वैसे करते रहते हैं सभी बट होता है कि रूम बंद है ना थोड़ा आ जाओ इस क्वेश्चन पर आगे क्वेश्चन कर फाइंड द एरिया ऑफ रोमबस हुज डायंगल्स अब यहाँ तो दोनों डायंगल ही पहले देखे हैं कि भाई रोमबस का एक डायंगल 12 है एक डायंगल 16 है तो मैंने क्या कहा था एरिया क्या होगा हाफ डी वन ठीक है दो से मेरे आठ बाई ट्वेल्व ठीक है अगले क्वेश्चन पर आ जाओ हाँ भाई बताओ बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कौन बताएगा सबसे पहले बताओ मेरे चीतो लव यू टू मेरे भाई लव यू टू मोज कर दी सर थैंक यू मेरे भाई थैंक यू रोमस के इन क्वेश्चन में बहुत मैं बता रहा हूं अगर आप एग्जाम दे रहे हो अगर यहां सी का कोई बैठा है सीबीटी टी टू का कोई बैठा है ठीक है एन का कोई भी ऐसा बच्चा है ठीक है अब तो साढ़े तीन लाख और बच्चे आ जाएंगे ठीक है इसी तरह से कोई ग्रुप डी का बैठा है कोई सीजीएल का बैठा है सी का बैठा है या ए टू जेड किसी भी सीपीओ का आप सर्च करना पिछली बार ग्रुप डी के जितने ही पेपर हुए ना हर तीसरे चौथे पेपर में इसका आया आया था 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 ठीक है क्या क्वेश्चन साथ साथ ही साथ मेरे भाई में तो जो हाल फिलहाल में क्या हर को, ऐसा दिख रहा था हर पेपर में रोमबस का क्वेश्चन दिखाई दे रहा था और सीजीएल में भी जो हाल फिलहाल में होता है हर एक पेपर में रोमस का क्वेश्चन आते ही आता है मतलब ऐसा रहता है ये दिखता रहता है ऐसा लगता है पता नहीं के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता हो

अगर मैं पहले वाले डायंगल को बारह कहूं तो बारह का आधा तो ये छ है ये दस है तो ये आठ आ जाएगा भाई ट्रिपल एट तो लेगा पर ये आठ क्या है ये दूसरे वाले का आधा यानी किस चीज का आधा आठ होगा सोलह का हमसे पूछा गया है तो दूसरे विकर्ण तो दूसरा विकर्ण दूसरा डाइंगल सोलह आ गया इससे भी आसान कुछ हो सकता है बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया आगे चले लीजिए बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का उत्तर ये तो सेम है शायद सेम है ये बताओ मेरे चीतों बब्बर सेरो क्या होगा इसका आंसर जल्दी से फोन ले लेते हैं हाथ में फोन में नाम पढ़ते रहेंगे बहुत देर होगी हाँ भाई उमेश कुमार मेरा नाम सर प्रदीप है अच्छा मेरे भाई कन्हैया कुमार कितने भाई हैं सर मतलब यहां पर जो बैठे हैं उनमें कितने भाई और बहने या हम कितने भाई हैं सीजियल टायर टू में भी आता हाँ सी मैं कह रहा हूँ ना रोमबस के क्वेश्चन आपको हर जगह दिख जाएंगे आप इस क्वेश्चन में अभी सर्च करो इस क्वेश्चन को किसी ऐसा अगर आपको देखना हो ना सर्च करना तो आप देखोगे यार सीजियल में प्री मेन्स में सेम क्वेश्चन आया होगा ये ये आपका ग्रुप डी में एन में ए वाला एग्जाम था उसमें ठीक है और आपके ये यूपी कॉन्स्टेबल यूपीएसआई सब में सब में ठीक है देखो आप अगर देखोगे तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि मेरे भाई एक भुजा की लंबाई यानी साइड की अगर बात करें तो साइड एक चीज देखिए अगर आपको तो एक ऐसा ट्रिपलेट जिसकी सबसे बड़ी वैल्यू सिक्स हो तो आप क्या कहोगे सर ग्यारह साठ इकसठ ये ट्रिपलेट आपको अगर याद हो तो मैंने पह, बहुत पहले लिखवा रखा है शुरू में बिल्कुल जब ट्रिपलेट लिखवाए तो ग्यारह साठ इकसठ और अगर ट्रिपलेट ना हो ना तो ये क्वेश्चन भैया मतलब महाभारत है अब आपको पता है कि एक डायगनल का आधा ग्यारह है एक डायगनल का आधा साठ है तभी मेरे भाई ग्यारह साठ इकसठ की सीरीज बन पाएगी तो इस केस में पूरा डायगनल कितना आ जाएगा ये ग्यारह और ग्यारह बाईस दूसरे वाला कितना आ जाएगा मेरे भाई एक सौ बीस पूछा क्या इन्होंने दोनों का टोटल पूछा क्या फाइंड द द सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स डायंगल यानी दोनों का टोटल दो वन फोर्टी टू यही आ रहा है सी हमारा ऑप्शन किस किस का आ रहा है भाई मजा आ रहा है क्या कर रहा है भाई मेरे भाई हर एक एमपी पुलिस समय मैं एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक, एक, एक एग्जाम में आता है आगे चले लीजिए बताओ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है उससे पहले मतलब इस पे आएंगे याद रखना ठीक है बट इस तरह के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि ये टाइप अलग है इसमें एंगल दे दिया ना इसको अभी एक मिनट में करवा पहले इस पे आ जाओ देखो क्वेश्चन करें चौबीस द पेरीमीटर ऑफ द दस अब आप बताओ चलो ये क्वेश्चन बताओ कौन कौन बता सकता है ये अलग ही चीज पूछ ली बताओ बताओ मेरे चीतो बताओ लव यू टू मेरे भाई लव यू टू सभी को लव यू देखिए आपको जितना पड़ता है उसके हिसाब से दोनों डाइंगल्स का आधा और जो मेरे भाई क्या देखा है साइड इनके बीच में ट्रिपलेट होता है अगर मेरे भाई पहले वाले डाइंगल की बात करूं तो देखिए एक डाइंगल हमारे को देखा है चौबीस है एक डाइंगल हमें देखा है डाइंगल ही देखा ना हाँ एक डाइंगल दे रखा हमारे को बत्तीस ठीक है ओके आ, आ? ठीक है ना पहले इसको बत्तीस ले लेते हैं ठीक है इससे चौबीस लिख ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं लो ठीक है आपको पता है एक का आधा बारह इसका आधा मेरे भाई सोलह तो एक ट्रिपलेट बताओ बारह सोलह क्या बनेगा तो आप कहोगे बीस अब आप में से बहुतों को याद होगा बहुतों को नहीं तो आप ऐसे याद कर सकते हो तीन चार पांच तीन से चार गुना चार से चार गुना तो पांच का चार गुना बीस ठीक है ये एक याद करने का तरीका है किस किस को यह चीज कौन कौन शुरू से बैठा है अब आपको पता है एक ऐसा रोमबस जिसकी एक साइड 20 हो एक ऐसा रोमबस जिसकी एक साइड 20 हो उसकी चारों साइडों का टोटल गुणा में चार अस्सी होगा क्या बहुत कठिन क्वेश्चन था ये हाँ भाई बताइए क्या बहुत टफ क्वेश्चन था क्या ये नहीं था ना बस हाँ हमारे को साइड तक पहुंचना था इसी के लिए थोड़ी सी महाभारत रचनी पड़ी ठीक है मेरे भाई बताइए क्या आपका डाउट है देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा था पैरीमीटर ऑफ आर रोमबस इज 40 मीटर एंड इट्स हाइट इज 5 मीटर देखिए कोई भी चार साइड वाली फिगर हो तो अगर उसमें कभी भी उसके बेस से उसके सामने वाली साइड की ऊंचाई दे रखी हो तो एरिया आप डायरेक्ट निकाल सकते हो रोमबस की एक साइड पैरीमीटर दे रखा है ना रोमबस का परिमाप चालीस है ये क्वेश्चन उससे हटकर है तो उसकी एक साइड कितनी आ जाएगी चार से चालीस काटेंगे दस पर इसकी एक साइड दस आ गई इसे भी मैं 10 कहूँगा क्योंकि चारों ये बराबर होती हैं और इस 10 पर अगर सामने वाली साइड और इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 है तो देखिए एरिया होता है बेस इनटू हाइट तीन साइड वाली फिगर में होता है हाफ बेस इनटू हाइट क्यों ऐसा क्यों है क्योंकि देखिए चार साइडों में ना अगर डायगनल मिला मतलब डायगनल बनाते हैं तो दो ट्रायंगल निकलते हैं तो यानी कि इसीलिए

आगे वाली फाइल लगा दो एक बार लगा दो हाँ बताओ मुझे बताओ चलो मैं लगाता हूँ व्हाट्सएप खुल रहा है तुम्हारा दो सेकंड रुक जाओ चो दो सेकंड बस ओके okay, मैं देख लूंगा ऐसा होता है ना बच्चों ऐसे उन्होंने फाइल बढ़ाई ना तो क्लास स्टार्ट हो गई थी तो उनको कह रहे क्या सर तीन चार मिनट लगेंगे तो मैंने फाइल ले लिया मैंने कहा कि सर ऐसा है कि फाइल दे दो आप मुझे आगे में पढ़ाए तो अब आगे के इसके आगे क्वेश्चन देख लेते हैं लीजिए कौन सा क्वेश्चन है हमारा ये आखिरी द पैरिमीटर ऑफ आर उम्बस इज फोर्टी मीटर ठीक है एक सेंड हो जाओ बस अरे ये क्या कर रखा है इन्होंने ज़्यादा आ गया, गया। एक सेकंड सेकेंड बच्चों एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड सेकेंड इस क्वेश्चन पे आ जाओ इस क्वेश्चन पे तो एक क्वेश्चन हो गया था आ जाओ आ जाओ भाई वो पढ़ लो पढ़ लो चुपचाप हैं, नींद आ रही है अच्छा बच्चे चलो ठीक है अच्छा गर्ल्स बोलती हैं तो थोड़ा सा प्यार सुन बच्चे पढ़ लो। दो ऐसा है। कुछ नहीं रखा नींद में नहीं अगर देखो होगा क्या दो चीजें हैं जिंदगी भर रोटी बनानी है तो भाई सब जाओ जिंदगी भर दूसरे से रोटी बनवानी है तो जगे रहो एक साल थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी नहीं या तो तुम किसी और के सामने हाथ फैलाओगे या तुम किसी और को दोगे, दो ही जिंदगी आज तक जीवन में क्या होते आया है कि या तो आप जिंदगी भर पति देव, पर है कि देव को दो मतलब ऐसा नहीं कि वो भी ऐसा होगी उसे मांगने की जरूरत पड़े बट हां इस तरह के बनो कि सेल्फ रिस्पेक्ट तो सोना छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, चार पांच घंटे सोया करो ज्यादा सोन सी बॉडी बनाए कहा जा रहे हो तुम आ जाओ देखो अगला क्वेश्चन क्या है द पेरिमीटर ऑफ अ रोम्बस 40 सेंटीमीटर इज मेजर ऑफ एन एंगल अच्छा देखिए चलो एंगल वाले दोनों क्वेश्चन एक पीछे रह गया था एंगल वाला उस पर आए थे हैं। ये वाला अब ये दोनों एंगल वाले क्वेश्चन आ गए एंगल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे होंगे ठीक है दोनों ही एंगल वाले क्वेश्चन आ चुके हैं अब इन क्वेश्चनों पे आता बहुत ध्यान से पढ़ने होंगे तभी आप समझ पाओगे ठीक है <laughs> हां भाई बहुत ध्यान से पढ़ने होंगे लाइक कर दो एक बार लाइक में कैसे कमी छोड़ रखे दस हजार तो कर दो कम से कम चीतो हाँ भाई दस हजार तो लाइक कर दो आ जाओ देखो मेरे भाई कम से कम एक या दो बजे तक क्लास चलेगी ठीक है एक बार एक पोल डाल दो कि गर्ल्स और बॉयज में कितने गर्ल्स बैठे कितने बॉयज पता तो लगे कि भाई लड़कियां ज्यादा मेहनती हैं बॉयज तो एक पोल डलवा देता हूँ ठीक है एक है ना गर्ल्स और बॉयज वाला वो डाल दो पोल आ जाओ भाई देखो इस क्वेश्चन को ना ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहूंगा हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर होता क्या है और अगली बार हाइट एंड डिस्टेंस ही पढ़ाऊंगा मुझे बहुत बार आपको मतलब इस तरह की फिगर के साथ चीजें बताता हूँ पर आपको बहुत बार समझ नहीं आती देखिए कभी भी जैसा मैंने कहा ये नब्बे डिग्री है तो आप क्या कहोगे सर ये और मैंने कह दिया ये तीस डिग्री है तो आपको बता है नब्बे या तीस है तो साठ होगा तो जब भी किसी ट्राइंगल में ऐसा नहीं यहीं पे साठ हो यहां साठ हो तो यहां तीस होगा है ना इस तरह के तीनों एंगल दे रखे तो तीस के सामने वाली एक रहेगी। के सामने वाली नब्बे भी सकता है कि एक ऐसी फिगर हो इसके पीछे का लॉजिक होता है वो लॉजिक जिस दिन हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा उसी दिन समझाऊंगा अभी सिर्फ आप रट लो कि भैया अगर ये साठ डिग्री हो अगर फिगर में ये साठ डिग्री होगा <coughs> तो आपको पता है यह कितना होगा मेरे भाई तीस डिग्री होगा कि नहीं होगा तो साठ डिग्री के सामने वाली आपके लिए क्या होनी चाहिए आपको अभी अभी भी बताया है इसके सामने वाली रूट थ्री वो बात अलग है अभी साठ यहाँ पे है तो उसके सामने वाली रूट थ्री हो जाएगी तीस के सामने वाली एक और नब्बे के सामने वाली दो अब आप कहोगे सर फिगर अगर ऐसी बनी आ जाए तो कुछ ऐसी और ये वाला नब्बे हो मेरे भाई बिल्कुल हो सकता है क्यों नहीं हो सकता और ये वाला सर अगर साठ हो जाए और ये हो जाए तीस तो मेरे भाई तीस के सामने वाली एक साठ के सामने वाली रूट तीन और नब्बे के सामने वाली दो ही होगी ठीक है ओके बॉयज 84 फोर परसेंट सॉरी सर गलती से गो भाई साहब क्या करके मान लो गुम तो, है मतलब एक कह रहा सर जी गलती से गर्ल स्टिक हो गया अच्छा अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप फिगर बनाओगे ठीक है एक रोमबस की फिगर बनाते हैं लीजिए बना दी है ना ज्यादा टेढ़ा हो गया तो। ठीक है अब अगर ध्यान से देखा जाए तो आप क्या देखोगे अरे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है यार आपको समझ आ जाएगा टेन समझ लो क्वेश्चन में क्या कहा गया अच्छा एक चीज और समझा दो रोमबस के बारे में प्यारी सी रोमबस के बारे में एक चीज और एक बहुत प्यारी सी बात और रोमबस के बारे में समझ लो ठीक है लीजिए रोमबस के बारे में बहुत प्यारी सी बात और समझ लो रोमबस के बारे में रोमबस के बारे में एक बात और है अगर यह एंगल मैंने कह दिया कि मेरे भाई 60 डिग्री का है तो आप बताइए अगर यह रोमबस है तो यह एंगल कितने का होगा जल्दी बताओ किस किस को है अच्छा गलती से उसके अंदर फीलिंग आ गई थी उनसे सोचा कि वैसे तो यहीं पे टच कर लू है अरे क्या होगा तुम्हारा तुम। डिग्री तो ये वाला कितना हो जाएगा तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं रोमबस में जैसे मैं ये कह दूं, ये ए और बी तो इनके आमने सामने वाले दोनों एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है इनके आमने सामने वाले एंगल्स का टोटल हमेशा 180 डिग्री होता है यानी ये 60 होगा तो यह 120 डिग्री होगा यह 120 डिग्री होगा ठीक है ये 120 है तो आमने सामने वालों का टोटल 180 होगा तो 120 है तो ये 60 डिग्री होगा अब आपको होता है ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई दोनों का टोटल 180 तो ये 120 होगा तो यहां से एक चीज और समझ आई आमने सामने वाले बराबर भी होते हैं पर हमें उससे मतलब नहीं अभी जितना सीखना है बस ये कि इन दोनों का टोटल एक डिग्री होता है ठीक है ओके अब जब मैं इस क्वेश्चन पर आया तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक एंगल साठ डिग्री का है तो दूसरे वाला तो नहीं पता बट उसने कहा एक एंगल साठ डिग्री है कितने डिग्री का है सात डिग्री का तो आप समझ पाओगे दूसरा एंगल कितने डिग्री का होगा एक अब एक छोटी सी बात और सुन लो जो होते हैं ना इनके रोमबस के उनके अंदर एक पावर और होती है बहुत ज्यादा पावर है इनके डायगनल में ये ना इन एंगल्स को दो हिस्सों में बांट देते हैं यानी 120 को 60 और 60 में और अगर ये खींचूंगा तो ये क्या करेगा तो आप कहोगे सर ये डायगनल इस साठ को तीस और तीस दो बराबर हिस्सों में बांट देगा <coughs> कार्तिक मेरे भाई अभी उड़वा देंगे तुम्हारी नींद। लो। अभी तो सुनाता हूं एक प्यारी सी कहानी पर क्वेश्चन पढ़ लो अभी तो आप इतनी सी बात समझ पाएगी आप कहोगे सर अगर हम इसे ऐसे जोड़ दें अगर हम इन डाइगनल को ऐसे जोड़ दें तो जितना मैंने बताया उसके हिसाब से ये 120 दो हिस्सों में बट जाएगा और वो हिस्सा होगा ऊपर वाला साठ नीचे वाला साठ वहीं दूसरी तरफ अगर एक डायगनल ऐसे खींचा जाए तो इस साठ को दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा उसमें से ऊपर का हिस्सा तीस और नीचे का तीस और साथ ही साथ जहां ये दोनों मिलेंगे वो होता है नब्बे डिग्री यानी अब आप जैसे ही यहां ध्यान से देखोगे सिर्फ इतने से हिस्से पर कितने से हिस्से पर इतने से हिस्से को ध्यान से देखोगे तो आप कुछ बातें यहां से देख पा रहे होंगे और वो बातें क्या हैं वो बातें हैं कि मेरे भाई ये तीस है ये नब्बे है ये साठ है अब आप एक छोटी सी बात बताओ तीस के साथ वाले सामने वाली साइड एक होती है मतलब ये रेशो होता है एक्चुअल नहीं होंगे ये इसका एक ना एक डायरेक्ट रेशो होता है इन तीनों साइडों का यही रेशो रहेगा हमेशा ठीक है तो ये हमेशा एक रहती है साठ डिग्री के सामने वाली मेरे भाई रूट तीन और नब्बे के सामने वाली दो यानी कि अगर रोमबस की साइड दो होती तो यहां से लेके यहां तक का ऐसा तीन और यहां से लेके यहां तक का ऐसा एक होता पर क्वेश्चन कह रहा है कि रोमबस की साइड के बारे में हमें कुछ नहीं पता पर क्वेश्चन कह रहा है कि रोमबस की जो परिमाप है वो बराबर है एक रेक्टेंगल के परिमाप के अच्छा रेक्टेंगल क्या क्या दे देखा है रेक्टेंगल की लंबाई देखिए दस या फिर आप बना लो एक रेक्टेंगल जिसकी एक साइड दस है एक है तो ये दस है तो ये भी दस होगा ये 6 है तो ये भी छे. तो आप देखिए दस और दस बीस और 6 मेरे भाई या फिर 12 बारह और, और बीस मेरे भाई बत्तीस एक्चुअल में क्वेश्चन के हिसाब से इस रेक्टेंगल जिसकी एक साइड दस और एक साइड 6 है इसका पेरीमीटर तो बत्तीस आया और यही परिमाप इस रोम्बस का भी है यानी इस रोमबस का भी परिमाप बत्तीस है तो एक साइड चार से डिवाइड कर कर आठ आ जाएगी तो यहां से हम बता पाएंगे कि इसकी एक साइड दो नहीं आठ है इससे चार गुना ज्यादा तो इसी तरह से यहां से लेकर यहां तक लंबाई रूट तीन ना होकर चार गुना ज्यादा चार रूट तीन और ये भी एक ना होकर चार गुना ज्यादा चार होगा ये चार रूट तीन है तो ये भी चार रूट तीन नीचे ऐसा ये चार है तो नीचे ऐसा चार अब बस अब तो होगी कहानी खत्म अब आपको क्या चाहिए था एरिया एरिया से पहले पहले वाला डायंगल फोर रूट थ्री फोर रूट थ्री एट रूट थ्री दूसरे वाला डायंगल मेरे भाई चार और चार आठ आपको क्या चाहिए एरिया एरिया क्या होता है हाफ डी वन इंटू डी टू यही होता है मेरे भाई एक घंटे और दो से, से चार पर काट दीजिए आठ चौक बत्तीस रूट तीन कितना आ जाएगा बत्तीस रूट तीन और यही हमारा उत्तर आ जाएगा कौन दिक्कत बताइए हाँ भाई बताइए कोई दिक्कत नहीं आगे चलें मजा आया एक ऐसा ही क्वेश्चन और ले लो ये वाला ये तो हो गए सारे <laughs> कहाँ गया अभी तो था हाँ ये रहा सिक्सटी डिग्री अच्छा इस पे डिग्री का साइन बना हुआ हाँ भाई लो बताओ जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर मजा आया कि नहीं आया अब इस क्वेश्चन को करके और आएगा मजा हाँ भाई चीतो मजा आया कि नहीं आया ये बताओ है भाई मैसेज करके बताओ डियर कॉमरेड कह रहे हैं एक पल में जो आकर ये गुजर जाता है ये हवा का ओ झोंका है और कुछ नहीं प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे बस एक रंगीन धोखा है वाह 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 मेरे बब्बर से वाह नित्य यादव सर आज दो बजे तक पढ़ाइए ओके बच्चे पक्का पक्का गिरिजेश कुमार सर हम आपका फैन नहीं हूं लेकिन आपके टीचिंग का तरीके के बिल्कुल फैन हूं ओके भाई थैंक यू फैन तो मतलब मैं कहता भी मेरा बनो फैन से बढ़िया तो मेरे भाई बनो छोटे भाई वैसी वाले मोहब्बत करो नहीं आ जाइए श्रद्धा प्लीज कोई बताए बताओ यहाँ क्या क्वेश्चन है नदीम अब तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन थैंक यू मेरे भाई अभी तो बेस्ट बेस्ट आएंगे <coughs> सुमित ओके मेरे भाई एक बार मैं बोल दूंगा टीम से मेरे भाई टॉप तक ऐप पर नहीं है बुक बुक है आपकी अमेजोन बुक है आपकी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर बुक ना आपकी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर है होता क्या है कि ना जैसे डिलीवरी दूसरे दूसरे स्टेट में पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी टीम लग जाती है अमेजोन और फ्लिपकार्ट की ये मतलब क्या है अभी हम अपनी टीम रखेंगे ठीक है पर अभी उसमें लग जाए तो अभी फ्लिपकार्ट लिंक डिस्क्रिप्शन पड़ा है ठीक है कितना फोर्टी सेंटीमीटर अगर उसका सबसे पहले पैरिमीटर से पहले ये देखते उसका एक एंगल साठ डिग्री है अब आप मुझे तो टेढ़ा मेढा बन गया अगर आपने जितना सीखा ये साठ डिग्री है तो ये 120 होगा क्योंकि दोनों का टोटल 180 होता है बात ठीक है बिल्कुल ठीक है अब आपको पता है अगर मैं एक लाइन ऐसे खींचू ये डायंगनल साठ को दो हिस्सों में बांटेगा और वो दो हिस्से क्या होंगे तीस और तीस तो ठीक है मेरे भाई साठ दो हिस्सों में बट गया तीस और तीस मैंने इसी तरह से एक डायंगनल और खींचा और मेरे भाई ये डायंगनल क्या करेगा ये एक सौ बीस को दो हिस्सों में बांट देगा ये डायंगनल क्या करेगा एक सौ बीस को दो हिस्सों में बांटेगा और एक सौ बीस जो दो हिस्सों में बट रहा है वो बटेगा साठ और साठ

आ जाओ अब आप एक चीज देखिए ध्यान से हो क्या रहा है मेरे भाई की इसकी साइड दो नहीं है एक्चुअल में क्यों क्योंकि इसका पैरिमीटर चालीस है अगर पेरीमीटर चालीस है तो चार से डिवाइड करेंगे तो पता लगेगा इसकी एक साइड दस है अगर इसकी ये साइड दस है इससे पांच गुना ज्यादा पैरीमीटर चालीस ही है ना इसका पैरामीटर चालीस ठीक है तो मेरे भाई ये साइड भी रूट तीन ना हो गए पांच गुना पांच रूट तीन और ये भी एक ना हो गया पांच गुना ज्यादा पांच हो जाएगी पर ये पांच है तो नीचे का हिस्सा ही पांच ये पांच रूट तीन है तो नीचे का हिस्सा ही पांच रूट तीन बात समझ आ गई ठीक है अब आप देखोगे मेरे भाई ये पूरी की पूरी डायगनल कितना हो जाएगा पांच और पांच दस रूट तीन और जो दूसरे वाला डायगोनल है वह कितना हो जाएगा पांच और पांच दस एरिया क्या हो जाएगा हाफ <coughs> एरिया क्या हो जाएगा हाफ डी वन इंटू टी टू यानी दस रूट तीन मल्टीप्लाई दस ठीक है तो सोल्व कर दीजिए मेरे दो से पांच पर पांच गुणा में दस पचास रूट तीन कहीं पर है क्या कोई गड़बड़ होगी ऑप्शन गलत है मुझे लग रहा है पचास रूट तीन आएगा अमित कुमार सर आज हमने पहली बार क्लास ली है लाइव नहीं मेरे भाई ऋषभ ऐसे नहीं जाओगे अभी ना चाहो छोड़ के कि क्लास अभी खत्म नहीं हुई है बताओ सर जी मेरा दिल टूट गया भैया जॉब लगवा ले दिल तोड़ने और जोड़ने वाली बहुत सारे जाएंगे और इसी तरह लड़के भी बहुत सारे कोई दुखत नहीं है तिल्ली तो टूटा है देखो मेरा ये मानना है लाइफ में आपने एक जिंदगी जी उसमें आपको कभी मोहब्बत हुई और आपका दिल ना टूटे तो कभी बुढ़ापे में कैसे बता पाओगे बच्चों को कि भैया दिल टूटने का दुख क्या होता है वो फीलिंग जरूरी है ना यार वो फीलिंग हर किसी को नहीं मिल पाती तो दिल टूटना और उस फीलिंग के साथ एक दो साल जीना वो मतलब कि रोज रात में हल्का हल्का सा रोना गाने सैड सैड सुनना ये जिंदगी का एक पार्ट है ये हर किसी की जिंदगी में नहीं आता और जिसकी मतलब तुम्हारी जिंदगी का अगर ये हिस्सा है ना तो इसे जियो तो दुख भी आ रहा है ना जिंदगी में समझो जिंदगी का हिस्सा है आगे जाकर एक कहानी होगी जब आप बूढ़े हो जाओगे आपके साथ सुनाने के लिए होगा कि भाई साहब इतने दुख थे और उसके बाद मैं यहां पहुंच गया इस पोजिशन पर या वो मुझे छोड़कर या वो मुझे छोड़कर गई या गया और उसके बाद मैं आज यहां पहुंचा मतलब हर चीज के पीछे कहानी होनी चाहिए और जीवन की कहानी और मजा तभी है जब कहानी बनाई जाए आधा क्वेश्चन पे तो भैया अब वो बात है कि रुक जाओ जाने वाली रुक जा आदमी बुरा नहीं मैं दिल का दिल से तो मतलब ही नहीं है क्योंकि आधा क्वेश्चन पर देखिए इफ द ऑफ ऑफर रोम्बर्स आर एट एंड सिक्स ठीक है देन द स्क्वायर ऑफ इट साइड इज इतना आसान सा है डाइगनल एक छः है एक आठ है तो मुझे पता है कि भैया D1 का आधा और D2 का आधा ठीक है और इसकी साइड में बनेगा ट्रिपलेट तो डी तीन चार तो पांच इसकी साइड का स्क्वायर पच्चीस ठीक है यह हमारा उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे चले अरे वो उस क्लास को ख़त्म करने वाले थम जा मेरे भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी से तो बहुत कुछ है भाई आ जाओ क्या क्या हाँ भाई बताओ क्वेश्चन कह रहा था पैरामीटर इज सौ एंड एक डायगनल चालीस है तो इसका एरिया तो हमें पता है भाई एक डाइंगल का आधा जल्दी से दूसरे डाइंगल का आधा और इसके साइड का जो रेशो होता है तो अगर इसका क्वेश्चन के हिसाब से परिमाप सौ है तो मेरे भाई चार हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक साइड पच्चीस आ जाएगी ठीक है एक साइड इसकी पच्चीस आ गई साथ ही साथ इसका एक डायगनल चालीस है तो चालीस का आधा करेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा चालीस का आधा बीस ठीक है तो एक बीस आ गया बीस इसको मान लेते हैं या चलो इसी को बीस ले लो तो ट्रिपलेट क्या होता है पंद्रह बीस पच्चीस ही तो होता है तो पंद्रह आ गया तो यानी ये हो जाएगा मेरा डी टू तीस हो जाएगा ठीक है बस पूछा गया इसने एरिया तो एक डाइगनल मेरे भाई कितना है चालीस एक है मेरे भाई कितना तीस एरिया हो जाएगा हाफ चालीस इंटू तीस यानी दो से इसे बीस पे काटो टू थ्री सिक्स छ सौ हमारा उत्तर आ जाएगा किसी को डाउट बताइए ठीक है इतनी बातें समझ आ रही होंगी अभी तक बताओ क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या करा है <coughs> कि इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोमबस आर इन द रेशो थ्री रेशो फोर एरिया ठीक है और साथ में क्या देखा है साइड ऑफ स्क्वायर देखिए नॉर्मल सी बात है ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या करा है एक रोमबस है ठीक है अब रोमबस की जो डायगोनल है ठीक है जो रोम्बस के डायगनल है उनका रेशो थ्रेशो फोर है अब देखिए एक डायगनल मेरे भाई और दूसरा डायगनल अगर इनके डायगनल का रेशो थ्रेशो फोर है तो एक बहुत प्यारी सी बात बताऊंगा अगर इनके डायगनल के आधे की बात करें अगर हम इनके डायगनल के आधे की बात करें यानी इसके इस डायगेल को भी दो से डिवाइड इसको भी दो से तो होगा क्या भैया मिट कैसे गया इसके डायगनल का रेशो आपका थ्रेशो फोर था पर मैं क्या कह रहा हूं दोनों डायगनल्स को दो से भाग कर दो यानी आधा कर दो तो उसके बाद भी रेशो थ्री रेशो फोर ही रहेगा समझ रहे हो यानी कि अगर रेशो इनके पूरे का रेशो थ्री रेशो फोर है तो आधे का भी थ्री रेशो फोर रहेगा तो मैं ये समझ पाया कि सिर्फ और सिर्फ अगर मैं रेशो की बात करता हूं तो यहां से लेके यहां तक का हिस्सा तीन और यहां से लेके यहाँ तक का हिस्सा चार ये तीन ये चार और ये अगर नब्बे डिग्री का एंगल है तो ये पांच आ चुका है पर क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी साइड पाँच नहीं है एक्चुअल में उसकी साइड को निकाला जा सकता है कैसे देखिए एक स्क्वायर है उसका डायगनल कितना है फोर्टी रूट टू देखिए स्क्वायर के डायगनल में रूट टू के साथ जो वैल्यू होती है फोर्टी ये इस स्क्वायर की साइड होती है देखिए क्यों ऐसा क्यों होता है क्योंकि देखिए डायगनल होता है क्या स्क्वायर का ए रूट टू ए यानी उस स्क्वायर की साइड और रूट टू उसके साथ एक्स्ट्रा वैल्यू तो जो ये चालीस है ये इसकी क्या है साइड है और क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है यानी इसकी साइड चालीस है तो इस रोम्बस की एक्चुअल साइड भी चालीस होगी इस पांच से आठ गुना ज्यादा तो ये साइड से यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू भी तीन ना होकर मेरे भाई आठ गुना ज्यादा कितनी होगी चौबीस और ये भी आठ गुना ज्यादा बत्तीस ये बत्तीस है तो नीचे का ही बत्तीस ये चौबीस है तो नीचे का ही चौबीस बत्तीस और बत्तीस चौसठ तो पहला डायगनल चौसठ और दूसरा डायगनल मेरे भाई कितना आ जाएगा चौबीस और चौबीस अड़तालीस ठीक है अब यहां से अगर मैं एरिया जानना चाहूं तो हाफ सिक्सटी फोर मल्टीप्लाई फोर्टी एट ठीक है इससे मेरे भाई ये कट जाएगा किस पर जाएगा चौबीस पर ट्वेंटी फोर फोर जाए नाइनटी सिक्स नाइनटी सिक्स सिक्स किसके रही है ये हो गया फोर्थ ऑप्शन सचिन मेरे भाई सात आठ दिन तो लग जाएंगे आठ नौ दिन अगला क्वेश्चन रुको अच्छा हो गया ना सारे लोग हाँ भाई बताओ क्या होगा अरे मेरे चीते यही क्वेश्चन पेपर में आता है उसमें मैं उसको अब मैं कैसे वो कर दूं ओके साहिद खान मेरे भाई है। कार्तिक मेरे भाई नींद नींद वींद कितना टाइम हो गया अभी बीस मिनट और जग जाओ चलो ज्यादा नहीं आज जगाऊंगा देखो स्पीड आई थी क्या उसको बाद में एक बार नॉर्मल स्पीड करके सुन लेना आ जाओ द साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट आर इन द रेशो फाइव रेशो फोर एंड इट्स एरिया इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड स्क्वायर मीटर एक आयताकार प्लॉट में फाइव रेशो फोर का अनुपात है ठीक है इसकी साइड्स जो हैं इनके अंदर रेशो है फाइव रेशो फोर का ठीक है और इसका एरिया पांच सौ का है तो प्लॉट का पेरीमीटर अब हमें पता है मेरे भाई ये फाइव एक्स हो जाएगा ये फोर एक्स एरिया क्या आ जाएगा फाइव फोर ज्वेंटी एक्स इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर पर क्वेश्चन कह है एरिया कितना है पाँच सौ जीरो से जीरो दो से पच्चीस पर कट जाएगा एक्स का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा पच्चीस यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाँच इतनी बात समझ आ गई यानी अगर मैं यहाँ पे पांच की मल्टीप्लाई करूँ तो ये साइड बीस रही होगी एक्चुअल मैं यहाँ पे पांच की मल्टीप्लाई करूँ तो ये साइड पच्चीस हमसे पूछा क्या क्या है हमसे पूछा गया है मेरे भाई इसका पैरीमीटर ये बीस है तो ये बीस अरे चल जा अच्छा अच्छा ये बीस ये पच्चीस है तो पच्चीस पच्चीस पचास प्लस बीस और बीस चालीस पचास चालीस नब्बे हमारा उत्तर आ गया किसी को डाउट नहीं होना चाहिए आगे चले लीजिए हाँ यार सब्सक्राइब तो कर दो यार सही बात है मैं तो बीचों बोला ही सब्सक्राइब के लिए भाई साहब सब्सक्राइब कर लेना सारे सारे हाँ भैया जाओ क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार लॉन की बुझाव का अनुपात थ्री रेशो फोर है तथा इनका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर है तो हो गया हमारा तो लॉन के विकर्ण की लंबाई तो मुझे पता है ये थ्री है ये फोर है ये तो हो गया है। तो मेरे भाई वैसे रेशो हिसाब से तो डायगनल तो मेरे भाई पांच हो जाएगा थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स एरिया थ्री फोर जैसा ट्वेल्व एक्स का स्क्वायर क्वेश्चन कह रहा है इतना नहीं है बारह सो है बारह सो ये पर ठीक है यहाँ से एक्स की वैल्यू डायरेक्ट 10 आ जाएगी यहां पे 10 की गुणा करें पचास आ जाए तो ये तो चलो क्वेश्चन हो चुका है कौन कौन सा हो चुका है ये क्वेश्चन ठीक है ये नहीं हुआ अभी तक हाँ भाई बताओ ये क्वेश्चन बताओ अरे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ये कर लो एक बार है ना थोड़े से क्वेश्चन कर लो फिर उसके बाद कुछ बच्चों में तो पूरा जोश है सर दो बजे तक ए ये चीज है पसंद है मुझे सचिन शर्मा ओके आई लव यू वैसे सारे ही पसंद हो तुम नफरत तो मुझे किसी से भी नहीं है आ जाओ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और अब जो जो आंसर देगा ना जो रात में बैठा है अगर तुम इतनी रात तक बैठे हो तुम्हारा नाम भी लूंगा जो जो आंसर देगा बताओ आ जाओ जो जो आंसर देगा उसका नाम लिया जाएगा बताओ विजय कुमार सही बात है भैया राहुल देसवाल थकेगा दो क्वेश्चन कह रहा है किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई लंबाई और चौड़ाई का रेशो देखा है अब हमें क्या दे रखा है अगर उसका पेरीमीटर अस्सी है तो इसकी चौड़ाई क्या देखिए पेरीमीटर क्या होता है जो भी लंबाई और चौड़ाई होती है का टोटल होता है इसका डबल कर दो यही क्या होता है मेरे भाई परिमाप यानी टेन एक्स पर क्वेश्चन कह रहा है परिमाप है, अस्सी है जीरो से जीरो काट दिया यानी एक्स की वैल्यू आ गई आठ क्वेश्चन चाह क्या रहा है उसकी चौड़ाई तो चौड़ाई मेरे भाई टू एक्स न दो गुणा में आठ सोलह हो जाएगी यही हमारा उत्तर आ जाएगा किसी को डाउट ठीक है आ जाओ बताओ ये क्वेश्चन है लाजवाब सुंदर सा अब बताओ इसका आंसर किस, -किस का आ गया उसका नाम ले लेते हैं भाई इस क्वेश्चन को करो अब तक <laughs> नरेश चंदन जेठालाल गड़ा जेठालाल थे <laughs> कैसे जेठालाल बबीता जी पे मतलब लाइन मारते मारते नहीं थके हैं रिंकू क्या गलत आ रहा है भाई संजना ज्ञानवेंद्र वंदना नरेश रोबिन देसी राजेश एक का नाम पता आयंस सरिता मुकेश सुनील आशीष राय वीर गुलशन सुजीत मनोज मोहिनी मोहिनी चौबीस और सोलह क्या अच्छा दोनों ही दे दिए हैं क्या कौशल पल दो पल अरे ज्यादा ही गए तो प्रिंस लालचंद आ जाओ आगे नाम पढ़ता भैया टाइम नहीं इतना जाओ क्वेश्चन क्या करा है भाई साहब रेशो देखा है किसका लंबाई और किसका परिमाप पैरीमीटर का लंबाई कितनी है मेरे भाई पांच और पैरीमीटर कितना है अठारह देखिए परिमाप होता क्या है लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर उसका डबल कर दीजिए वही हमारा पैरीमीटर आ जाता है और वो अठारह है तो यहां से अगर मैं इसे काटू तो नौ पर जाएगा यानी एक्चुअल में लंबाई और चौड़ाई का टोटल नौ होना चाहिए पर लंबाई अगर पांच है तो मेरे भाई एक्चुअल में लंबाई और चौड़ाई का टोटल नौ होना चाहिए तो चौड़ाई चार आ जाएगी ठीक है क्वेश्चन क्या है अनुपात ही तो पूछा ये आंसर होगा ऑप्शन गलत लगा दें किसी और क्वेश्चन के फाइव रेशो फोर आ जाएगा ठीक है फाइव रेशो फोर अब कहा से आंसर फेंक देते हो तुम फाइव रेशो फोर आएगा कह रहा क्वेश्चन गलत है अबे ऑप्शन क्या है ऑप्शन भाई ऑप्शन गलत है क्वेश्चन गलत नहीं ऑप्शन गलती से गलत लिख दिया जाएगा चीते ठीक है मेरे भाई यूँ कह रहा है क्वेश्चन वो क्वेश्चन ही गलत बता दिया भाई साहब वाह चीते कैसे करके मानोगे भाई तुम खिलाड़ी हो आ जाओ तो <laughs> क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई 60 प्रतिशत बढ़ाई गई तदनुसार उसकी चौड़ाई कितनी कम करनी होगी ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहो देखिए सिक्सटी कितनी होती है थ्री बाय अब आप एक बार बताओ हमें पता है एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई अगर पांच लंबाई थी तो लंबाई बढ़कर आठ हो गई सही बात है तो भाई चौड़ाई को से करना है कमी क्या है देखिए आप यह मानिए एरिया वो एरिया होता क्या है लंबाई गुना में चौड़ाई पहले वाली लंबाई अगर पांच थी है ना तो नई वाली इतना परसेंट यानी तीन ज्यादा होकर कितनी हो जाएगी आठ ठीक है क्वेश्चन चाह रहा है कि पहले वाला और नया वाला एरिया आपस में बराबर हो बराबर कब आएगा अगर इस आठ को मैं यहां रख दूं और इस पांच को यहां तो देखिए आठ पंजे चालीस और आठ पंजे चालीस बराबर आ गया <coughs> यानी कि चौड़ाई में कितनी कमी होगी तीन की तो आठ पर तीन की कमी सैंतीस से एक बटे, दो प्रतिशत बस इतनी सी बात थी किसी को डाउट सर एक बार हमारा भी ले लो नाम तुम्हारा नाम जो है वो कुछ अलग सा ही है हाँ भाई बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जल्दी से बताओ अगला मैराथन में सोच रहा हूँ हाइट एंड डिस्टेंस क्योंकि यार बहुत सारी जगह ना हाइट एंड डिस्टेंस का यूज हो रहा होता है और बच्चे ना यार बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो है जाते हैं तो मैं सोच रहा हूँ हाइट एंड डिस्टेंस या फिर ज्योमेट्री का पर ज्योमेट्री से पहले ये कराना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा यूज है यार इसका हाइट एंड डिस्टेंस का देखो क्वेश्चन कह रहा है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डबल देखिए एरिया क्या होता है लंबाई लंबाई गुना में चौड़ाई चौड़ाई क्वेश्चन के हिसाब से लंबाई भी भी डबल डबल हो गई और भी तो अगर देखा जाए तो पहले एरिया लंबाई गुना में चौड़ाई एक रहा होगा बाद में दो चार तो क्वेश्चन के हिसाब से पहले एरिया इतना था नया वाला इतना हो गया यानी कि तीन की वृद्धि एक पर तीन की वृद्धि प्रतिशत के लिए गुणा में सौ यानी तीन सौ प्रतिशत की वृद्धि और यही हमारा उत्तर हो जाएगा ओके okay, मेरे भाई आ जाइए ठीक है ये तो हो गया हमारा ये भी हो गया ये भी हो गया मुझे लग रहा है आज की क्लास को नहीं यहीं पर ही रोक देते हैं आ जाओ क्योंकि एक बार ना मैं वो करा दूं फिर उसमें थ्री डी और जो भी ठीक है आ मेरे आ जाओ जाओ मेरे देखिए अब आपको मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ क्षेत्र मिति सबने सुना है क्षेत्र मिति या आज मैंने पढ़ाई है पर उससे पहले मेरे भाई एक बहुत बड़ी खुशखबरी देखो एक छोटी सी बात और रोज शाम को सात से आठ बजे ललिसरी क्लास होती है कल सात बजे करेक्ट आपको सात से आठ बजे आना है फिर आठ बजे सुशीसरी क्लास में आना और रोज रात नौ बजे फिर स्वयं मेरी राहुल देसवाल की क्लास होती है और इस क्लास को गलती से भी लेना नहीं भूलना है रोज रात नौ बजे राहुल की क्लास लेनी कभी नहीं छूटनी है अगर बहुत अच्छे अगर आपको अंक लेने हैं तो ठीक है पूरे पूरे नंबर दिला दूंगा इसकी गारंटी है और मेरे भाई थैंक यू सभी को देखिए एमेजोन पर भी नंबर वन और फ्लिपकार्ट देखो तो भी नंबर वन यानी आज के टाइम पर ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा मतलब प्यार और मोहब्बत इसी बुक को मिल रहा है ठीक है तो मेरे भाई सबसे नंबर वन ट्रेंडिंग पर चल रही है हमारी बुक प्यार आपका है और मैंने सोचा था कि इतनी सारी बुकें छपवाई थी दुकानों पर भी भिजवा भी देंगे वो सारी सारी इस पे पर बिक गई अमेजोन फ्लिपकार्ट अभी हमारी खुद की टॉप तक ऐप पर नहीं है टॉप तक ऐप पर इनका सॉल्यूशन आएगा तो टॉप तक ऐप भी मेरे भाई डाउनलोड करके रखना टॉप तक ऐप पर सॉल्यूशन आएगा ठीक है और मेरे भाई फ्लिपकार्ट अमेज़न पर बुक मिल, तो मिल रही है तो टॉप तक ऐप पर हमारा सॉल्यूशन आएगा इस सॉल्यूशन को पढ़ सकते हो आप और देखिए ये देखिए अमेजोन पर मिल रही है फ्लिपकार्ट मिल रही है बुक हमारी दोनों इंग्लिश हिंदी भाषा में लिंक डिस्क्रिप्शन में पढ़ा है और मेरे भाई <coughs> कोर्स भी पढ़ा है हमारी ऐप पर सिर्फ फोर में शायद अभी मुझे लगता है कि मैंने वैसे कह दिया था कि प्राइस बढ़ा दो बट हाँ ज़्यादा नहीं थोड़ा सा बढ़ाओ क्योंकि यार प्राइस बढ़ाना मुझे लग रहा है जरूरी है अभी क्योंकि थोड़ा सा बहुत ज्यादा टीचर ऐसे बड़े बड़े टीचर है ना थोड़े आप देखो सभी की तो सभी महंगे महंगे टीचर हैं नहीं तो सबकी सैलरी भी भाई लाख लाख है तो थोड़ा सा क्या है कि अच्छे टीचर हैं तभी आप पास हो पाओगे रिजल्ट अच्छा जाएगा तभी आप एक साल बाद आपने भाई बहन को किसी यार दोस्त को हमसे पढ़वाओगे है ना इसीलिए अच्छे अच्छे टीचर भी रख रह रहे हैं तो उनका खर्चा भी होता है तो इसका थोड़ा सा क्या है कि हल्का सा प्राइस बढ़ा देंगे नहीं तो पूरे अगर मैं बताऊँ तो चार चार हजार के कोर्स हैं पांच हजार के वही हम चार सौ निन्यानवे बेच रहे हैं और ये सारे कोर्सेज कहाँ मिलेंगे मेरे भाई सभी कोर्सेज आपके टॉप तक ऐप पर सारे के सारे कोर्स इस वाले ऐप पे टी टीए के ये ना ऐप है एक कहाँ पे प्ले स्टोर पे और साथ ही साथ मेरे भाई आप मुझको फॉलो कर सकते हो मतलब मुझसे जुड़ सकते हो फॉलो क्या मतलब मेरे साथ जुड़ सकते हो राहुल

और मेरे भाई तो अभी से तैयारी करो ठीक है यूपी कॉन्स्टेबल सबके कोर्स पढ़े सबके ले सकते हो ठीक है तो अभी से तैयारी करो वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर कर आ जाए अपने यार दोस्त चाहने वालों के साथ और इसी तरह से मोहब्बत बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताए करो और अगली बार मेरे भाई संडे को फिर से मैराथन होगी और अगले संडे को फिर से नौ बजे आपको आना ही होगा तो अगले संडे फिर से नौ बजे मिलेंगे ओके ठीक है बाय जय हिंद जय भारत लवी सभी को बाय